হ্যাঁ বটরাজ, আমি এসে গেছি। হ্যালো রাজেশ কুমার দানাপুর। আইয়া স্যার, নমস্তে 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 বলি স্যার। বলি স্যার, গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার, বলি স্যার, গুড মর্নিং। হ্যাঁ জি, নমস্তে নমস্তে স্যার। উমেশ কুমার, ধানবাদ ডিভিশন স্যার। ধানবাদ ডিভিশন, ওকে ওকে। সব সবকে চেহারে ভুল গে হ্যায়, আগে করোনা নেই রহতা তো কম সে কম চেহারা দেখনে কো মিলতা। জি হ্যাঁ স্যার, বিলকুল। হ্যালো স্যার, কমি খাল রহা স্যার, হম লোগ কো লিয়ে কমি খাল স্যার। স্যার গুড মর্নিং, বিকে সিং স্যার, ধানবাদ। গুড মর্নিং, নমস্তে সিং সাহেব, নমস্তে। স্যার উমেশ কুমার, গুড মর্নিং স্যার, মে সঙ্গিয়া জামালপুর স্যার। স্যার গুড স্যার, আজ মিলতে আছে স্যার, লেকিন হম লোগ আ নেই পারে, হম লোগ কো আফসোস স্যার। গুড মর্নিং স্যার, সে নমস্তে, সবি কো নমস্তে। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং। এস্টার দে বান মে वन मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आपको सबको म्यूट कर रहा हूँ। मोटा मोटी सब ऐसे गए थे तो बच्चा आज दाड़ाओ जानी ना अपन आमी अटेंडेंस नोबो नोटा दोषे। हेलो, तो कौन आमी ना। हेलो, आमी खाली होस्टर। ओके ओके, होस्टर ट्रांसफर करो बुझे। मैं तो कौन क्लास क्लास कथा बोलते था। পরে তোমাকে আবার আমি হোস্ট করবো। ওকে।
सर गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्ते, मेरा सिकंदराबाद से। सर नमस्ते सर, बीके सिंह सर, ओके धन्यवाद धन्यवाद, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। फोर सर इसी यार धनबाद से बीके सिंह बोल रहा हूँ सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, हो चुका आपके साथ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नौ बज रहे हैं यार, इलाहाबाद एमके गौतम। से भाई गौतम जी नमस्ते, म्यूट हो जाइए, सब कोई म्यूट हो जाइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास है, थर्ड क्लास है, इट इज माय थर्ड सेशन। और आज के टॉपिक्स है मेरे ऑप्टिकल डिवाइसेस, स्प्लाइसिंग, ओएफसी मेजरमेंट और पावर बजट। ये चार टॉपिक्स आज आपके साथ पढ़ने हैं हमको। तो आप अगर सजेस्ट करें तो मैं क्या स्टार्ट करूं, पावर बजट पहले बतला दूं आपको, फिर ओएफसी मेजरमेंट वगैरह करते रहेंगे, नहीं तो फिर लास्ट में पावर बजट छूट जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। यस सर, जो आप पावर बजट इधर दो सर। ओके ओके, आई विल स्टार्ट द पावर बजट एंड देन फाइनली वो डिवाइसेस पे आ जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स पावर बजट जो है ऑप्टिकल लिंक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। वी टेल दिस टू बी ऑप्टिकल लिंक इंजीनियरिंग। लिंक इंजीनियरिंग इसलिए है कि वी डोंट नो द रियल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक। तो इसको हमको एक्सप्लोर करना पड़ता है, वी हैव टू सी व्हाट द लिमिट्स आर देयर, हाउ मच माई पावर ट्रांसमीटर हैज, हाउ मच माई रिसीवर इज सेंसिटिव, हाउ मच इज द लॉस in the worst case if my temperature goes up or if aging comes into effect or some other reason, untold reasons also come into effect, what is going to happen. We have to see the link, we have to verify the link or analyze the link so that in the worst case also the communication continues. For that some type of calculation is required. Koi koi usko analysis bolta hai, koi bolta hai calculation, jo kuch bhi boliye, but we have to see that practically, we have to see that what is the real picture of my communication link, optical link. Here I have shown you a simple question. Question kya hai, just a demonstration hai. Mera transmitter minus 2 dB de raha hai, theek hai, aur meri receiver ki sensitivity minus 28 hai. To is mere paas isme मेरे पास इस पे कितना कितना रह जाएगा, देखिए माइनस टू मैं दे रहा हूँ और माइनस 28 रिसीवर की सेंसिटिविटी है, डीबीएम में रिसीवर की सेंसिटिविटी है, तो दैट मीन्स 26 डीबी का स्कोप मेरे पास है ना। आई कैन गो ऑन क्रिएटिंग लॉस इन माय फाइबर अप टू 26 डीबी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, वी हैव टू एक्सप्लोर दिस पार्ट। एनीवे कुछ और भी लिखता हूँ, हमारे पास लिंक्स कभी कभी क्या होती है, छोटी होती है, वी हैव गॉट शॉर्ट रीच, शॉर्ट हॉल जिसे बोलते हैं, छोटी लिंक्स होती है, कुछ कुछ लिंक्स हमारी बड़ी लिंक होती है और कुछ कुछ लॉन्ग रीच होती है। तो शॉर्ट रीच में अगर हमारी 6 डीबी की ही लॉस है, 6 डीबी की लॉस है, तो 6 डीबी भी तो 75% ऑफ लॉस को ले लेता है ना। 3 डीबी हाफ होता है, फिर हाफ का हाफ 6 डीबी, 6 डीबी इज ऑलमोस्ट 75%। इंटरमीडिएट में 13 डीबी की करीब लॉस, आई एम जस्ट गिविंग यू ए पिक्चर ऑफ इट, 13 डीबी की लॉस, 13 डीबी की लॉस में आपको कितना पावर लॉस दिखता है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पावर लॉस हो चुका होता है। फिर लॉन्ग रीच में जब आप पहुंचते हैं, जब तक आपकी 26 डीबी हो जा रही है, तब तक 99.75% ऑफ द पावर आप लूज कर चुके होते हैं। तब आप इसका अंदाज लगा लीजिए, कोई भी सर्किट अगर माइनस 26 से ऊपर जाएगी तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द पावर यू हैव यूज्ड, आपने यूज कर चुका है। तो दिस इज व्हाट आई वॉन्टेड टू शो यू, वेयर हाउ कम्स द बजट का जो पिक्चर कहां से आता है, वो ऐसे आता है। नाउ लिटिल अबाउट द थ्योरी, एन ऑप्टिकल लिंक डिजाइन मस्ट मीट बोथ द लिंक पावर बजट एनालिसिस एंड द सिस्टम राइज टाइम एनालिसिस। अब क्वेश्चन आता है कि साहब ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बोला कि सोना खरीद लीजिए, सोना आप खरीद लेंगे कोरोना के टाइम में, सोना खरीद लिया आपने और वो नकली सोना ले लिया, तो आपने क्या करेंगे उसका फायदा, कि आप तो ठग गए ना, यू आर टोटली डिसीव्ड और यू आर चीटेड। आप क्या करेंगे,
पैसा देने से पहले सोना जो है पारस पत्थर पे घिस करके तब लेंगे ना, तो यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स, यू हैव टू बाय गोल्ड एज वेल एज यू हैव टू सी द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द गोल्ड। तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल लिंक में बजट एनालिसिस भी करेंगे और दूसरा जो एनालिसिस है वो राइज टाइम एनालिसिस है। राइज टाइम एनालिसिस का बेसिक मतलब होता है कि मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन है, वो मेरा बैंडविड्थ के लिए एनेबल्ड है कि नहीं, मैं जिस बैंडविड्थ को चलाना चाहता हूँ वो उसमें वो बैंडविड्थ उसमें चल पाएगी कि नहीं, ये तो दोनों टेस्ट के ऊपर मुझे खड़ा होना उतरना पड़ेगा, तब जाके मेरा ऑप्टिकल लिंक डिजाइन होगा। तो ऑप्टिकल लिंक में दो फैक्टर है, एक पावर बजट है और एक राइज टाइम एनालिसिस है। मैं राइज टाइम एनालिसिस के बारे में और डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि वन पार्ट इज पावर बजट एंड द सेकेंड पार्ट इज राइज टाइम एनालिसिस। ओके, बैंडविड्थ एनालिसिस भी इसको आप बोल सकते हैं। इन लिंक पावर बजट एनालिसिस वन फर्स्ट डिटरमाइन द पावर मार्जिन बिटवीन द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर आउटपुट एंड द मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी। अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा ना, रिसीवर की सेंसिटिविटी आपने देखी और उसका ट्रांसमिटेड पावर देखा, तो इसके बीच की जो एनालिसिस होगी, ये एनालिसिस ये लिंक की फिजिबिलिटी को एनालिसिस कर गई, ये पावर एनालिसिस है, ये इट विल ओनली एनालाइज द लिंक। दूसरी जो है वो क्या है, वंस अ लिंक पावर बजट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, जब आपकी पावर वेरीफाई हो चुकी है तब आपको डिजाइनर को क्या देखना पड़ेगा, ही हैज टू मेक ए सिस्टम राइज टाइम एनालिसिस टू एंश्योर दैट द डिस्पर्शन लिमिट ऑफ द लिंक हैज नॉट एक्सीडेड। ये बैंडविड्थ बोलने का मेरा मतलब यही था कि कल मैंने आपको डिस्पर्शन पढ़ाया है ना, लॉट ऑफ डिस्पर्शन वी स्टडीड, ऐसा तो नहीं है ये डिस्पर्शन लेंथ के हिसाब से इतना ग्रो कर गया कि वो फाइनली वो पूरी पूरी डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्शन हो गया और हमारी जो है रिसीवर में सिग्नल ही नहीं रिसीव हुई, तो ये ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस विल एनालाइज द डाटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन, इसको बैंडविड्थ एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है, इट इज द राइज टाइम एनालिसिस, इट इज द राइज टाइम एनालिसिस। इन सबको करने के लिए कुछ कुछ हमारे पास रिक्विजिट है, कुछ कुछ डाटा हमारे पास मिलनी चाहिए, वी शुड बी फेड विद सम ऑफ द डाटा। रिक्विजिट्स क्या क्या है, डाटा रिक्वायर्ड फ्रॉम द डाटा शीट, हमारी जो ट्रांसमीटर की डाटा है, रिसीवर की डाटा है, SFP की डाटा है, वो सब हमको डाटा शीट से लेनी पड़ेगी। ट्रांसमीटर का आउटपुट पावर हमको सही समय लेना पड़ेगा, रिसीवर की सेंसिटिविटी जाननी पड़ेगी, रिसीवर का ओवरलोड कितना है ये भी जानना पड़ेगा, फाइबर में एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट कितना है जानना पड़ेगा, कितने कनेक्टर हैं, कितने स्प्लाइस हैं, कितना पैच कॉर्ड है ये भी जानना पड़ेगा। While planning an OFC link we have to provide sufficient margin against the losses. इसके अलावा भी हमको penalties, एक safety margin या जो है penalty margin भी हमको देनी पड़ती है। वो penalty margin हम इसलिए देते हैं कि हो सकता है aging की वजह से मेरा receiver खराब हो या transmitter खराब हो जाए या unexpected कभी power हमारा what you say temperature बढ़ जाए या कोई unexpected reason की वजह से हमारा कोई जो है पावर लेवल में डिफरेंस आ जाए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक 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 सेफ्टी मार्जिन भी हम इसको हर वक्त कैलकुलेट करके रखते हैं, जिसको हम 3 से 6 dB के बीच में लेते हैं, हम इसको ध्यान में रखते हैं, हम जब कभी कैलकुलेशन करेंगे इस सेफ्टी मार्जिन को भी हम इंक्लूड कर लिया करेंगे। तो इन दिस आर द रिक्विजिट्स, ये मेरे बेसिक जो है जरूरतें हैं मेरी पावर बजट करने के लिए। फिर से मैं बतला दूं, डाटा रिक्वायर्ड फ्रॉम द डाटा शीट, ट्रांसमीटर का पावर, रिसीवर की सेंसिटिविटी, रिसीवर का ओवरलोड, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, फाइबर का, कितने फाइबर में पैच कॉर्ड, स्प्लाइस, कनेक्टर वगैरह लग रहे हैं और मेरी सेफ्टी मार्जिन क्या है, ये भी मुझे पता करते रहना पड़ेगा। तो ये सब इनपुट जब मुझे मिल जाएगा तब मैं पावर बजट का कैलकुलेशन कर सकूंगा। लेट अस गो फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, मैं एक मिनट पॉज ले रहा हूँ, इसको पढ़िए, फिर मैं इसकी पूरी पूरी जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा, आप इसको देखने से ही आप सीख जाएंगे। धीरे से पढ़ रहा हूँ, कंसीडर एन ओएफसी लिंक विद ए लेजर डायोड सोर्स विद +3 dBm आउटपुट एंड एन APT डिटेक्टर विद ए सेंसिटिविटी ऑफ -32 dBm। ओके, ये बात तो क्लियर है। Considering a connector loss of 1 dB, fiber attenuation of 0.5 dB per kilometer, patch cord loss of 3 dB, and a splice loss of 0.1 dB per slice, find the system margin over a 60 km link.
ये 60 किलोमीटर की लिंक है जिसके ऊपर मुझे ये सब डाटा को लेकर के मुझे को कैलकुलेशन करना है और एक पावर बजट मुझे बनानी है। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। जो मुझे इनपुट मिल रहे हैं क्वेश्चन से वो मैंने देखिए नोट कर लिया। लेजर की ट्रांसमिटेड पावर कितनी है? +3 dBm। ओके, रिसीवर की सेंसिटिविटी कितनी है? 32 dBm। कनेक्टर लॉस मैंने निकाल लिया। ऑप्टिकल फाइबर का लॉस पर डीबी किलोमीटर दे दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पैच कॉर्ड की लॉस 3 dB, ये भी मुझे इनपुट मिल गई। स्प्लाइस लॉस पर इतना हो गया। ये मेरे सब इनपुट्स हैं ना, ये मेरे इनपुट्स आ गए। मेरे क्वेश्चन से ही आ गए हैं, पढ़ रहा हूं आगे। जी सर। Now it is the calculation. Available power budget. Source power minus the receiver sensitivity. So available power margin कितना हो जाएगा साहब? देखिए, +3 भेज रहे थे ना, -32 कर दिया। आपके पास कितनी power margin हो गई? +35. Fine. Up to this it is calculated. ये मेरा जो है working power है। ये power मुझे मेरे पास available है। मुझे इस 35 dB में workout करना है। अब मुझे लॉसेस को वर्कआउट करनी है। लॉसेस कितनी आ रही है? एटीन्यूएशन इन द केबल 0.25 dB इंटू 60 किलोमीटर, 15 dB। देखिए ये खा गया, 15 dB ये खा गया। फिर स्प्लाइस लॉस बोल रहा है कि साहब कुछ लॉस जो है 0.1 dB और 21 लॉसेस आ जाएंगे, मिला करके 2.1 dB हो गया। स्प्लाइस लॉस ले दिया। एज्यूमिंग 3 किलोमीटर ड्रम, वी रिक्वायर ऑलमोस्ट 20 ड्रम्स, 21 जॉइंट्स। 20 ड्रम होगा तो हमको कितने ज्वाइंट लेना पड़ेगा? 21 लेना पड़ेगा, एक ज्यादा लेना पड़ेगा। ओके, तो 60 किलोमीटर में 3 ड्रम के हिसाब से कितने हो गए? 20 ड्रम हो गए सर। 20 में एक जोड़ दीजिए, 21 ड्रम। 21 ड्रम की वजह से 2.1 dB। फाइन, इसके बाद पैच कॉर्ड लॉस कितना होगा सर? 3 dB ऑन द आइदर साइड, 3 + 3 = 6। कनेक्टर लॉस कितना हो गया? 1 dB ऑन द आइदर साइड, इट इज 1 + 1 = 2 dB। फाइन, फ्यूचर मार्जिन, ये मैंने जो सेफ्टी मार्जिन बोला था या फिर पेनल्टी मार्जिन जिसे बोलते हैं, सेफ्टी मार्जिन या पेनल्टी स्टैंडर्ड पेनल्टी जिसे बोलते हैं, वो कितना लिया हमने? यहाँ पर 3 dB लिया। आई हैव केप्ट 3 dB। पार्डन, ये 3 dB फिक्स रहेगा? ये 3 dB हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने ढंग से करता है। कोई लोग 3 dB से ही मान जाते हैं, कोई लोग 6 dB भी करते हैं। 3 dB ही सफिशियंट है सर, अगर 3 dB ही सेफ्टी मार्जिन सफिशियंट है। तो अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तो 3 dB डालेंगे ना सर? हाँ, आप अपने आप मान लीजिए सेफ्टी मार्जिन माने पेनल्टी, सेफ्टी पेनल्टी मार्जिन जितना है वो 3 dB लिख लीजिए आप। ओके, तो टोटल लॉसेस अब कैलकुलेट कर लीजिए सर, 15 + 2.1 सब मिला करके आपकी जो लॉस हो गई कितनी? 28.1 हो गई। आपने कितना पावर खा लिया साहब? 28.1 dB पावर खा लिया। आपको मैंने पावर कितना दिया था? 35 dB दिया था, 35 dB दिया था। आपके पास अवेलेबिलिटी पावर ऑफ कितनी है? 6 dB है ना, 6.9 dB अभी आपके पावर बचा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है ना, 6 dB आपका ऑलमोस्ट कितना 75% ऑफ पावर हो जाता है सर, 75% ऑफ पावर हो जाता है। तो आपके पास इतना बचा हुआ है, इट इज वेरी गुड ना सर। हाँ जी सर, रिसीवर सेंसिटिविटी -32 dB से कैसे आता है सर इसका रिप्रेजेंट? अरे रिसीवर ये 32, ये आपको डाटा बुक से मिलेगा ना। आपको जो रिसीवर आप बनाएंगे, जो SFP या रिसीवर लेंगे, तो उसमें डाटा शीट में दिया रहेगा ना, 32-35 को दिया रहेगा। यू हैव टू कलेक्ट माइनस का सर 32 क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? माइनस का 32 है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया ना। नहीं, माइनस क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है सर ये? माइनस देखो, रिसीवर रिसीवर क्या पूरा पहलवान सिग्नल को लेता है? रिसीवर तो कमजोर सिग्नल को ही लेता है ना। रिसीवर हर वक्त एटीन्यूएटेड सिग्नल को लेता है, तो एटीन्यूएटेड सिग्नल का पावर क्या होगा? माइनस में होगा ना। माइनस का -32 तक लिमिट है सर इसका, अलग अलग इक्विपमेंट का अलग अलग रहेगा, अलग अलग होगा। इसीलिए तो मैंने बोला आपको कि डाटा शीट देखिए, आप मेरी बात उस वक्त समझ लीजिए। रिसीवर की डाटा आप गूगल पे जा करके उस रिसीवर का नाम लिखिए, उस रिसीवर का सेंसिटिविटी लिखिए, आपको रिसीवर की सेंसिटिविटी मिल जाएगी। हमने तो क्वेश्चन में आपको -32 दिया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में -35 दे, -30 दे दे, वो आपको देख लेना पड़ेगा। अब आपके पास 28.1 dB पावर आपने
यूज कर लिया, आपके पास मचा कितना सर 6.9 dB, ये तो 6.9 dB तो सफिशियंट है ना। आप कितना फाइबर, कितनी बार केबल काटेंगे, 20 साल की उम्र में अगर 20 बार भी अगर केबल कटी, 30 बार भी केबल कटी, तो कितना केबल का लॉस होगा, 0.1 dB, 0.2 dB, अगर 20 बार भी कटा तो 0.2 × 4 आप 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी तो बहुत पावर आपके पास बचा हुआ है ना। तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि साहब यस माई लिंक इज फिजिबल, तब क्या लिखेंगे आप, माई लिंक इज फिजिबल, यस मेरे पास ये मार्जिन जो है 3 dB या 3 dB से भी ज्यादा अगर आ जाए, 3 dB 6 dB से भी ज्यादा आ जाए, तो आप मान लीजिए कि मेरा लिंक फिजिबल है। ऑलरेडी आप 3 dB यहाँ दे चुके हैं ना, यहाँ ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो 6 dB से आप ये कंफर्म कर लिए 6 dB से ज्यादा आ रहा है तो आपका लिंक फिजिबल है। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी सर, ये पावर बजट है, पावर लिंक बजट, ये पावर पावर बजट पावर लिंक बजट एक ही बात है। लिंक तो कनेक्शन को बोलते हैं ना, कड़ी को लिंक बोलते हैं। अच्छा, ये पावर की कड़ी जोड़ रहे हैं, पावर लिंक, तो पावर में आप हाँ जी, पावर लिंक डिजाइन है ये, एक ही बात है, लिंक है, डिजाइन है, फिजिबिलिटी है, कैलकुलेशन है, एनालिसिस है। इंजीनियर को सीधे ही बात को समझना चाहिए, शब्दों पर मत जाइए। देखिए आपने पावर कितना लिया, -35 लिया, आपने लॉस किया, इतना लॉस करने के बाद आपने 35 रोटियां बनाई, उसमें से 28 रोटियां खा गए, अभी भी आपके पास मैं पूछूंगा कितनी रोटी बची, तो आप बोलेंगे साहब 6.9 रोटी बची ना। यही तो राइज टाइम कितना है ये, हाँ पावर लिंक बजट अभी नहीं आया है, अभी ओनली पावर बजट कर रहा हूँ, राइज टाइम बजट अभी समय है, मैं दिखाऊंगा उसको, ये अभी पावर बजट है, राइज टाइम बजट में दिखाऊंगा, दूसरा न्यूमेरिकल है उसके पास। तो ये पावर बजट का कैलकुलेशन क्लियर हुआ आपको? ओके ओके सर, ठीक सर, ओके। तो आप इसको याद रखिएगा, ये फिगर जो है आपकी 6 dB से ज्यादा होनी चाहिए, अवेलेबल सेफ्टी मार्जिन वर्किंग जो है आपके पास 6 dB, क्वेश्चन में 6 dB से ज्यादा होना चाहिए, 6 dB से ज्यादा होगा तो आप बोल दीजिए कि हमारी लिंक फिजिबल है, बस। पार्डन, सेफ्टी मार्जिन आपकी 6 dB रखे, कोई कोई लोग 3 dB भी रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है ना, नॉर्मली 6 ही रखते हैं। हाँ, नॉर्मली 6 ही रखा जाता है सर। वेबसाइट इंस्टॉलेशन से पहले मैन्युफैक्चर के द्वारा दी जाती है, सीधी बात है, वो तो डाटा शीट देगा ना, आप जिस कंपनी से लेंगे तो वो तो बोलेगा ना आपको, हमारी रिसीवर इतनी सेंसिटिव है, रिसीवर की सेंसिटिविटी तो कंपनी देगा ना, हम तो रिसीवर बना नहीं रहे ना भाई। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए सर, आपने 6.9 dB को 70% माने, ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि माने 70% किधर किया मैंने, 70% तो यहाँ कहीं नहीं किया, ये dB में, ये 75% यहाँ या कितना था, ये नहीं, यहाँ 70% तो मैंने कहीं नहीं किया, अभी मैं 70% करूंगा राइज टाइम बजट में, आप आगे जा रहे हैं मुझसे, You are going more than me. Sir, हाँ जी, patch cord loss का 3 dB fix होता है क्या सर? कौन सा patch cord loss? Patch cord loss जो है आपके जो है, ये मैंने roughly लिख रखे हैं, ये आप अंदाज कर लीजिएगा, patch cord में आपकी loss कितनी रहेगी? Patch cord कितना होता है patch cord में? इस केस में 1 dB रहता है, patch cord होगा तो दोनों एंड पे 1 dB अगर आप highest लेंगे और तो कुछ पैड कॉट का लॉस्ट ले लीजिए तो 3 dB रखने में कोई हर्ज नहीं है सर। तो दो पैच कॉट होता है तो एक तरफ जो है वो एक एंड पे एक इधर एक एंड पे इधर दो तरफ दो लगेगा ना, दो चार पैच कॉट हो जाते हैं आप सर। लिख दीजिए ना, कोई बात नहीं है, उसमें आपको कौन सी बड़ी, आपको ये लकीर के फकीर मत बनिए, अगर आपको चार पैच कॉट यूज करना है चार भी लिख दीजिए ना, आपकी लिंक में अगर चार पैच कॉट यूज है चार लिखिए ना, ये तो आप लिंक डिजाइन कर रहे हैं ना, आपकी डिजाइन है ना, ये लॉस एलिमेंट यू हैव पुट इन, आपने जो जो लॉस एलिमेंट को डाला है उनको इंक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड करके आपकी जो ट्रांसमिटेड पावर है उसमें से माइनस कर दीजिए, इस माइनस करने के बाद 6 dB के ऊपर अगर बचता है तो आप बोल दीजिए कि मेरा लिंक फिजिबल है, बस।
ओके सर, भी आगे बहुत पढ़ाई बाकी है, अभी तो कुछ काम है, वो क्या कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? ए, बात नहीं भाई, ओके आगे बढ़ रहा हूँ। ओके पावर ठीक है, रिजल्ट करा रही है लेकिन वो सॉरी समस्या है। ए, राजेश कुमार प्लीज जरा म्यूट करिए, म्यूट करिए। अब क्वेश्चन आता है राइज टाइम, पावर बजट हो गया अब आपका, अब राइज टाइम के लिए जो क्वेश्चन है वो है, राइज टाइम में ये बतलाता है इन डिजिटल ट्रांसमिशन द सिस्टम राइज टाइम लिमिट्स द बिट रेट ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हमारी जो सिस्टम है वो यूनिपोलर कोडिंग को लेती है, यूनिपोलर कोडिंग, ओके, हमारी सिस्टम जो है यूनिपोलर कोडिंग को लेती है। इस यूनिपोलर कोडिंग को एनआरजेड कोडिंग बोलते हैं, एनआरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड कोडिंग है, इसको यूनिपोलर कोडिंग बोलते हैं। इस यूनिपोलर कोडिंग में, इसको जरा याद करके रखिए, इसलिए मैंने ब्लू येलो कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये जो सिस्टम की जो टाइम आएगी, राइज टाइम आएगी, वो हर वक्त 70% ऑफ द हमारी जो बिट रेट है उसकी 70% से कम होनी चाहिए। हमारी देखिए एक पल्स है, ये पल्स की जो राइज टाइम है 10 से लेके 90 के बीच में जो राइज टाइम होती है, ये राइज टाइम होती है, सपोज कीजिए कोई राइज टाइम टी आया, टी का 70% से कम होना चाहिए। हमारी जो सिस्टम आएगी, सिस्टम की कैलकुलेशन है वो हमारे बेसिक पल्स की जो राइज टाइम है उसके 70% से कम आनी चाहिए, यही मेरा आशय है यहाँ पर। ये टी सिस्टम 35 को मत याद रखिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आरजेड या आरजेड पल्स को, पोलर कोडिंग्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, वी डोंट यूज दिस, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई नीड ओनली एनआरजेड यूनिपोलर कोडिंग। और कितना टाइम होना चाहिए? टी सिस्टम हमारी इस कोडिंग पल्स की 70% से कम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? एक बार और इस बात को समझ लीजिए, नहीं आता है तो फिर मैं समझाता हूँ। एनीवे आगे की स्लाइड से आप समझ जाएंगे, इसको एक बार रिपीट कर देंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, अभी बतला करके फिर आऊंगा इसको। राइज टाइम को मुझे पीछे जाना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए ये मेरी पल्स है ना, ये मेरी एक्सपेक्टेड पल्स ये थी, बट जब आप किसी सिस्टम के ऊपर देते हैं तो पल्स आपकी ऐसे नहीं जाती है। देखिए पल्स आपकी जो है ये ट्रेपेजॉइडल जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे गिरेगी। यू आर एक्सपेक्टिंग ए रेक्टेंगुलर पल्स, आप रेक्टेंगुलर पल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सिस्टम में जब जाएगा सिस्टम उसको रेक्टेंगुलर इमीडिएटली वो बिल्डअप नहीं करता है, राइट एंगल पे नहीं जाता, वो क्या करेगा, राइज टाइम ऐसे बिल्ड करेगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर फिर फ्लैट हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा स्क्वायर नहीं रहता। तो इस वजह से जो है इसकी कुछ राइज टाइम होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये 10% ये वैल्यू इस मैग्नीट्यूड की 10% से लेके 90%, 10% से 90% के बीच में जो आने के लिए जो टाइम होते हैं ना, ये राइज टाइम है, ये राइज टाइम कहलाता है, ठीक है। दिस इज द 90%, 10% से लेके 90% तक राइज करने की जो टाइम है वो क्या है, राइज टाइम है। फॉल टाइम क्या है, देखिए 90% से 10% तक फॉल करने की जो टाइम है उसको फॉल टाइम बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, राइज टाइम एंड फॉल टाइम, क्योंकि ये जो डिजिटल सिस्टम है ऑल ऑफ ए सडन ये स्विच ऑन से ऑफ नहीं जाएगी, ऑन से ऑफ जाने में उसको कुछ समय लगता है या ऑफ से ऑन आने में समय लगता है, तो ऑन ऑफ से ऑन जाने में जितना समय लगता है उसको राइज टाइम बोलते हैं, और ऑन से ऑफ आने में जितना टाइम लगता है उसको वो क्या बोलते हैं, फॉल टाइम बोलते हैं। और इसकी टाइमिंग्स को हम क्या लेते हैं, 10% से 90% के बीच का लेते हैं। सर ये तो 100 तक जा रहा है ना सर, 100 तक जाने दीजिए ना, हमारा जो है राइज है वो 10 से लेके 90 तक लेंगे बस। तो 100 छोड़ेंगे क्यों, 100 छोड़ देंगे क्यों, उसके बाद तो वो फ्लैट हो जा रहा है ना, उसके बाद तो वो फ्लैट हो जा रहा है, 100 पूरे जाने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि टाइम, अगर देखिए रिसीवर जो है थ्रेशोल्ड रिसीवर होता है वो इसकी मार्जिन्स को पकड़ लेता है, कोई भी बिट रेट अगर बिट जो है 10 से 90% के बीच में आकर सफल हो गई तो वही सफिशिएंट है। सर ये फ्लैट तो 100 के पे जाने के बाद हो रहा है ना सर? नहीं नहीं होने दीजिए ना,
देखिए रिसीव में ये तो आपको सेंड साइड में है, रिसीव साइड में वो तो कुछ भी हो जाएगा, आपको रिसीव में ऐसा भी मिलता रहेगा, रिसीव में ऐसा भी मिलता रहेगा। आपको एटीन्यूएट होने के बाद हर वक्त वो 100% सिग्नल थोड़ी रहेगा, वो तो डाउन हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो क्या बोलता है कि साहब 10-90% भी अगर आपका जो राइज टाइम है वो भी अगर मिल जाए तो रिसीवर उसमें से सिग्नल को रिकवर कर लेगा। तो ये राइज टाइम है और ये फॉल टाइम है। देख लिया सर आप लोगों ने? आई एम कमिंग बैक टू दैट। हाँ जी बोलो। মানে ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে না ওইভাবে করতে গেলে একটা সাইড ছেড়ে দেবে ওটা আবার ওখানে গিয়েই থাকবে। মিনাস সাইজটাকে পরে এটাকে একটা কপি পেস্ট করে দিয়ে একটা নতুন। ओके देन द राइज टाइम बजट, देखिए राइज टाइम बजट में आपको तीन फैक्टर लेने पड़ेंगे। जस्ट हैव ओके ए राइज टाइम बजट इज एन कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिस्पर्शन लिमिटेशंस। डिस्पर्शन लिमिट्स को पता करने के लिए डिस्पर्शन लिमिट इन अदर वे डायरेक्टली डिटरमाइन द बैंडविड्थ। अगर आपकी डिस्पर्शन लिमिट आपको पता चल जाएगी तो आपका लिंक की फिजिबिलिटी भी पता चल जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपकी डाटा इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी पता चल जाएगी। तो इसके लिए चार पॉइंट होते हैं, दे आर फोर पॉइंट्स अवेलेबल, व्हाट आर दे विल एक्सप्लोर देम। ट्रांसमीटर का राइज टाइम हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसमीटर का राइज टाइम दैट इज गोइंग टू बी T1, रिसीवर का राइज टाइम दैट इज गोइंग टू बी T3, T1 T3। आप बोलेंगे सर T2 क्या होता है, T2 जो होता है ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन, DGVD बोलते हैं इसको, rise time of the fiber, rise time of the transmitter, rise time of the fiber receiver and rise time of the fiber. Rise time of the fiber ko GVD bhi bola jata hai, group velocity dispersion, because we need to calculate the complete dispersion. So T1 T2 T3 ye teen factors hain. Anyway chautha factor bhi aata hai, but ye modal dispersion jo hai ye multimode cable ke liye hota hai, to isliye hum isko डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल बी ओनली कंसर्न्ड विद थ्री ट्राइज टाइम्स। सर ये डाटा हमको कहां से मिलेगा, ये जो T1 T2 T3, यू विल गेट एवरीथिंग बाय, यू विल गेट एवरीथिंग, मत परेशान होइए। T1 T2 एंड T3 ये तीन चीजें हैं जिसको हमें कैलकुलेशन करना है। T4 को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये हमारे लिए जरूरत नहीं है। सर एक्सक्यूज मी। हां जी बोलिए। सर ये लास्ट स्लाइड में जो ग्राफ दिखाया वो क्या ये तीनों के लिए सेम है कि अलग-अलग सबके लिए? वही तो है राइज टाइम, उसी लिए तो मैं ग्राफ दिखाया ना आपको, वही राइज टाइम, उसी राइज टाइम को लिंक कर रहा हूं ना। ओके सर थैंक यू। वही राइज टाइम को लिंक कर रहा हूं, ठीक है। तो टोटल राइज टाइम जो है ये क्या है, इस फॉर्मूले से आता है। देखिए टोटल राइज टाइम इज इक्वल टू T1 का जो स्क्वायर है, इसका जो T1 है उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर T2 का जो है स्क्वायर कर लीजिए, फिर फाइबर का जो आ रहा है उसको भी स्क्वायर कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए और फिर उसका अंडर रूट कर दीजिए, इसका फिर क्या करिए अंडर रूट कर दीजिए। तो आपकी जो भी टाइम आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी सिस्टम की राइज टाइम आ जाएगी, दैट विल बिकम द सिस्टम राइज टाइम। ओके इन डिजिटल ट्रांसमिशन डिस्पर्शन पुट्स ए लिमिट ऑन द मैक्सिमम डाटा रेट and the maximum distance.
That is the information carrying capacity of the, in turn it is the information carrying capacity of the fiber. Rise time budget analysis is a means of ensuring the minimum permissible data rate over the optical fiber. ये क्या करता है? Minimum permissible data rate over the optical fiber. ये bandwidth को ही directly define करता है. Formula क्या है? T system is equal to under root of T1 का square plus T2 का square plus T आपका fiber का square. T1 square, T2 square, T3 का square. सब का square करके under root कर दीजिए. जो rise time आएगा, वो आपका system के साथ calculate कर लीजिए. फिर आपका जो pulse का rise time है, उसके 70% से कम होने से आपका विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा. वी विल डू इट इन टर्म्स ऑफ ए न्यूमेरिकल. ये तो थ्योरी थी, अब इसको हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. प्रैक्टिकल में दिखाइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ये पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन में क्या, आवर एम इज टू फाइंड द यूजेबल बैंडविड्थ इन ए मल्टीमोड फाइबर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम. ये क्या बोल रहा है साहब, मेरा ट्रांसमीटर यहां पर है, ठीक है. ट्रांसमीटर का डाटा शीट में लिखता है ट्रांसमीटर की राइज टाइम क्या है, 2 नैनो सेकंड है. देखिए ये आपकी डाटा शीट से मिल गया. आप पूछ रहे थे ना सर डाटा कहां से मिलेगा. Somebody was asking sir where will you get this rise times. It will be available in the data sheet. 2 nanoseconds available है. Okay sir. फिर ये आपकी फाइबर हो गई, ये रिसीवर. फाइबर क्या बोल रहा है, 2.5 किलोमीटर है. और इसकी बैंडविड्थ कितनी कैरी करनी है, विद अ बैंडविड्थ ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज. ये केबल बोलता है, ये केबल का मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हमारी बैंडविड्थ, ये हमारी केबल 300 मेगाहर्ट्ज कैरी कर सकती है. और रिसीवर का जो सेंसिटिविटी है, रिसीवर की जो राइज टाइम है वो कितनी है, 4 नैनो सेकंड है. ये आपकी डाटा है. दिस इज ऑल द डाटा दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल वर्क इट आउट. हम इसको काम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फर्स्ट फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द फाइबर. फाइबर की बैंडविड्थ को हटा कर लें. इसको फाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नोटिस दैट द वेरिएशन decreases as the length of the fiber increases. So the fiber bandwidth is equal to quoted bandwidth divided by the length in kilometer. Quoted bandwidth kitna 300 megahertz tha na, a length in the kilometer kitna aa gaya, aapki jo kilometer 2.5 kilometer hai, aapne multiply karke isko divide kar diya, aapke paas kitna aaya, 120 megahertz aa gaya. You keep this figure. Find the fiber rise time. सेकेंड के लिए देखिए, राइज टाइम निकालने को बोल रहा है. राइज टाइम कैसे निकलेगा, आपकी जो फाइबर थी, मेरे क्वेश्चन में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिखाए थे ना. मैंने आपको बोला था ये जो यूनिपोलर के लिए 70 है और नॉन पोलर के लिए, ये क्वेश्चन जो है ये आरजेड के लिए है. ये जो मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ, ये इसी 35% लिया है ना यहाँ पर, इस वजह से उसने भी वहां पर 35% लिया है. और एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 70% रहेगा. इसकी 30% देखिए, 35% ली है, तो 0.35 ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द फाइबर. बैंडविड्थ ऑफ द फाइबर आपका कितना, 120 मेगाहर्ट्ज आया ना. ये 120 मेगाहर्ट्ज आएगा, इसकी फाइबर के साथ आप कर लीजिए, तो कितना राइज टाइम मिल गया आपको, 2.9 नैनोसेकंड्स आ गया. 0.35 आपके कर्व से आया और ये आपकी बैंडविड्थ आ गई. कितनी आ गई, फाइनली डिटेक्टेड टाइम इज 2.9 नैनोसेकंड. ये आपको कैलकुलेट हो गया. थर्ड कैलकुलेशन पर आइए. Find the rise sir, time of the light. क्या था सर? Pardon? Sir, वो मिस है. 106 कर लिए, एक बार बोल दीजिए कितना था. 106. 106. हाँ, वो क्या था सर? थोड़ा. एक मिनट. Distance है 10^6 रहेगा सर. वो 10^6 है. तभी तो megahertz आएगा ना. वो 300 मेगाहर्ट्ज को 106 कंप्यूटर में कभी कभी लिखने में ट्रबल आ जाता है. 106 नहीं है, 10^6 है. मुझे भी ध्यान नहीं गया. सॉरी. ओके, 2.9 माइक्रोस. नाउ फाइंड द राइज टाइम ऑफ द लाइट. द राइज टाइम ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर 2 and 4 nanoseconds. आपके डाटा शीट में लिखा था ना 2 और 4 nanoseconds लिखा था, उसी से ले लिया इन्होंने. अब फाइनली जो सिस्टम की राइज टाइम है वो निकाल रहा है. देखिए, जो क्वेश्चन किया था मेरा, T1, T2, T3 को लेकर के स्क्वायर कर देंगे, सबको जोड़ करके अंडर रूट निकालेंगे. तो आपका क्वेश्चन में T1 से देखिए 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया. दूसरा क्या वैल्यू है, 2.9 आया, उसका स्क्वायर कर दिया.
फोर आया, फोर की वैल्यू को स्क्वायर कर गया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने से आपकी जो फाइनल टाइम आई कितनी आ गई, 5.3 नैनो सेकेंड आ गई। ठीक है, 5.3 नैनो सेकेंड आ गई। अब सिस्टम की बैंडविड्थ, अब देखिए कंप्लीट सिस्टम की बैंडविड्थ है ये 0.35 ऑब्जर्वर सिस्टम राइज टाइम ये हो गया, तो 0.35 आपका जो सिस्टम से चल रहा था और 5.3 into अभी ये जो नैनो सेकेंड आया 10^9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी सिस्टम कितनी आ रही है, 66 MHz आ रही है। That means it is very clear to understand that the total bandwidth of the system is only 66 megahertz. But you claim that it is 300 megahertz. Transmitter, receiver और cable सबका accountability को decide करने के बाद हमने क्या decide किया कि हमारी rise time कितनी आ रही है, 5.3 nanosecond आ रही है, और हमारी bandwidth कितनी आ रही है, ये आ रही है 66 megahertz. That means even though the fiber supports 300, it is only 66 megahertz. तथापि ये आप जो है 300 megahertz को सपोर्ट करता है, तो आप क्या बोल रहे हैं 300 megahertz but only 66, तो आपको क्या ये फिजिबल होगा? नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन था, अब एक और क्वेश्चन पर आता हूं मैं, फिर आऊंगा इसके ऊपर, वेट ऑन। ये हमारे क्वेश्चन है, हमारे लिंक का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर एन ओएफसी लिंक ऑपरेटिंग एट 1310 नैनोमीटर्स, द लेजर सोर्स राइज टाइम इज 2.5 पिकोसेकंड्स, स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द लेजर इज 2 नैनोमीटर्स। अरे पावर पॉइंट है कि नहीं सर? ये हां पावर पॉइंट क्वेश्चन है कि नहीं सर? पिछला क्वेश्चन फिजिबल नहीं है, भेजा क्या हम लोग? ओके अभी इसको देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये 2 पिकोसेकंड नैनोमीटर इन डिस्पर्शन जो है इतना बतला रहा है। फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ ए लिंक ऑफ 100 मीटर्स, 100 किलोमीटर की केबल और E4 लिंक पे चलानी है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार जरा ध्यान से देखिए, ओएफसी लिंक ऑपरेटिंग एट 1310 नैनोमीटर, द लेजर सोर्स राइज टाइम इज 25 picoseconds. The spectral width of the laser is 2 nanometers and the fiber dispersion is 2 picoseconds per nanometer into kilometer. Find the feasibility of an 100 kilometer link on E4 link. E4 kya hota hai? E1, E2, E3, E4. E4 kitna hota hai? 140 MB. 140 MB pe ye link sambhav hai ki nahi? Okay. इसकी डाटा को देखिए, ऑपरेटिंग वेवलेंथ 1310, पीको सेकेंड्स कितना, राइज टाइम 25 पीको सेकेंड, ये क्या है, T1 हो गया मेरा। स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द लेजर 2 नैनोमीटर्स लिखा ही हुआ है, फाइबर डिस्पर्शन इतना पर किलोमीटर, टोटल लेंथ इतना, तो टोटल फाइबर रेस्पॉन्स टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 100 किलोमीटर और 2 सेकेंड्स और केबल लेंथ सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पेक्ट्रल विड्थ, केबल लेंथ, डिस्पर्शन, तो आपकी कितनी हो गई, ये T2 कितना आ गया, 400 पीको सेकेंड्स, इट बिकम्स टू बी 400 पीको सेकेंड्स। ओके आगे बढ़ रहा हूं, फिर रिसीवर का राइज टाइम बजट निकाल रहा हूं, T1 T2 निकल चुका, T2 निकाल रहा हूं। रिसीवर्स राइज टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 10% to 90% ऑफ द राइज टाइम, मैं वही बोला था ना आपको, 10% से 90% के बीच का टाइम लेना है। तो दिस रिलेटेड फॉर्मूला विद द बैंडविड्थ कम्स विद द फॉलोइंग, तो T3 आपकी कितनी आ रही है, 0.35, और बैंडविड्थ ऑफ RX लिया 0.35, तो आपकी 0.35 लेने के बाद 140 Mbps आ गई। 140 Mbps को अगर 140 को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी T3 टाइम कितनी आ गई, 2500 पीको सेकेंड आ गई। हाँ आगे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपके तीन फिगर आ गए, 25 आ गया, 400 आ गया, 2500 आ गया, दोनों को ऑपरेट कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए, आपकी कितनी सेकंड आ गई, 2.53 2 नैनो सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन आ रहा है, दिस वैल्यू इज लेस देन द मैक्सिमम अलाउएबल 75% ऑफ द बिट इंटरवल ऑफ द 140 NRZ सिग्नल।
आपकी 140 Mbps की NRZ सिग्नल है वो उसकी जो टाइमिंग क्या थी विच इज 5 नैनोसेकंड, वो 5 नैनोसेकंड थी, और 5 नैनोसेकंड से 5 नैनोसेकंड का जो अगर आप निकाल लेंगे, देखिए कहाँ से निकला 70% ऑफ 1 Mbps, आपने 70% बोला था ना बिटरेट का, तो 70% आपने निकाल लिया, आपकी कहाँ से आई ये 5 नैनोसेकंड, ये 5 नैनोसेकंड यहीं से आई है, और आपकी 5 नैनोसेकंड ये परमिट है, और आपकी कितनी आ रही है 2.53 आ रही है. सिंस द सिस्टम राइज टाइम इज लेस देन 70% ऑफ द बिट राइज टाइम फॉर द NRZ कोडिंग वी कैन फाइनलाइज द लिंक, दिस इज द फिजिबिलिटी. ये बोलता है कि साहब यस माई लिंक इज फिजिबल, मेरी 140 MB की जो राइज टाइम थी या शॉर्ट डाउन टाइम थी वो कितनी थी 140 MB के हिसाब से 5 नैनोसेकंड थी, 5 नैनोसेकंड का जो है 70% आप कर दीजिए, 70% से ये कम आ रहा है, यस आ रहा है. सिंस द सिस्टम राइज टाइम इज लेस देन 70% of the bit rise time of the NRZ coding, we can finalize the link. 2.53, 5 से 70% से भी कम है. So anyway, this is all the theoretical part of it. ये calculation में ये आपको बड़ा difficult लग रहा होगा साहब, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. It is just an understanding. पावर बजट और राइज टाइम बजट ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं. आगे की भविष्य में क्वेश्चंस ये इनके क्वेश्चन आया करेंगे. पहले रेडियो बजट आता था माइक्रोवेव में, ऑप्टिकल सॉरी पावर बजट आती थी माइक्रोवेव लिंक की, ये बजट आएगी आपकी व्हाट यू से ऑप्टिकल लिंक की. छोटा क्वेश्चन होगा तो पावर बजट देगा, अगर वो बड़ा 10-12 नंबर का क्वेश्चन दे देगा तो वो क्या करेगा राइज टाइम बजट दे देगा. हाँ जी बोलिए सर, थोड़ा सा आगे देंगे वो 5 नैनोसेकंड जहाँ लगा है. हाँ 5 नैनोसेकंड, हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको. हाँ पहले तो सर ये बताइए कि 0.35 से मल्टीप्लाई क्यों किया. 0.35 आपको बार बार वहाँ से आपको दिखा रहा है ना पॉइंट, मैं आपको बोला ना NRZ के लिए राइज टाइम डाउन टाइम आपका देखिए ये 70% और 0.35 इधर से ही आएगा ना. अच्छा ये वाला RZ से. हाँ RZ से आप कह रहे हैं RZ को यूज में नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसने यहाँ यूज किया है बट वो फाइनली फिर 70% भी तो लिया है ना. देखिए यहाँ पर नहीं देख सर, ये 5 नैनोसेकंड का ये जो 2.532 है 70% कहाँ हो रहा है. 70% 1.5 आना चाहिए था. ये कम है कि नहीं, देखिए आपकी 70% से कम है कि नहीं. 5 नैनोसेकंड का 70% कितना होता है 35 हो जाएगा ना. 5 तो 3.5 कुछ होगा ना. हाँ 3.5 से 2.5 कम है कि नहीं, आप भी हमको कंफ्यूज हाँ. करते रहे भाई. ओके सर ठीक. ओफ ओफ इतना गणित पढ़ते पढ़ते गणित एकदम निकल गया सर. चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपने कुछ टोका तो मुझे. स्क्रीन में सर. हाँ जी बोलिए सर. ये पावर पॉइंट ये क्वेश्चन पावर पॉइंट में है कि नहीं सर. हाँ जी है एवरीथिंग इज देयर राइट सर. पूरी पावर पॉइंट में है, डोंट वरी. तो ये आपकी पावर बजट है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भविष्य के लिए भी, आपको जान के रखने के लिए, और एज एन इंजीनियर आपको ये चीजें कंफर्म रहनी चाहिए. एट द लीस्ट आप पूरा मत जानिए बट राइज टाइम बजट क्या होता है, पावर बजट क्या होता है, मोटा मोटी डिस्पर्शन का इफेक्ट क्या होता है. ये हम इसलिए बतला रहे हैं कि डिस्पर्शन ऑलवेज डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर. अगर हमारी केबल की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारा डिस्पर्शन अगर एक्सीड कर जाएगा तो हमारा बिटरेट नहीं पहुंचेगा ना. बिटरेट नहीं पहुंचेगा तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो इसीलिए पावर पहुंचने से ही नहीं होता, पावर के अलावा भी हमारे पास ये राइज टाइम का भी कैलकुलेशन पहुंचना चाहिए. ये राइज टाइम की कैलकुलेशन को ऐसे किया जाता है. ओके सर, आप बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर कंफ्यूजन होगा तो हम बात करेंगे. देखिए फिर फंस गया मेरा. ओफ ओ एक मिनट.
ओके वापस आ गया मैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. पहले से स्टार्ट करें. मेरे ऑप्टिकल सोर्सेज क्या क्या हैं ये तो पता होगा सर आप लोगों को. आपकी ऑप्टिकल सोर्स जो है सबसे पहली जो सोर्स है वो क्या होनी चाहिए. फर्स्ट अंडरस्टूड ऑप्टिकल सोर्स इज एन एलईडी. एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. और लाइट एमिटिंग डायोड का जो फंडामेंटल है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है. स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, ये फिजिक्स का वर्ड है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है. फिर दूसरा जो है हमारा लेजर से ज्यादा मॉडिफाइड और बेहतर जो सिस्टम है, ट्रांसमिटिंग सिस्टम है, वो क्या है? लेजर डायोड है. लेजर डायोड, लेजर डायोड क्या है? ये स्टिमुलेटेड एमिशन है. ओके, स्टिमुलेटेड मींस ये उत्तेजित है. ये क्या है? अपने आप होने वाला है ऑटोमेटिकली. ये मैंने स्पॉन्टेनियस होगा मीन्स स्वतः होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन. दिस इज स्टिमुलेटेड मीन्स ये उत्तेजित करके इसको एमिशन को लाया जाता है, तो इसे बोलते हैं लेजर. तो हमारे लिए दोनों आ जाते हैं, लेजर भी आता है, एलईडी भी आता है. छोटे सोर्सेज में हम एलईडी इस्तेमाल करते हैं, बट हमारे बड़े लिंक्स के ऊपर हम ऑलवेज हम लेजर का इस्तेमाल करेंगे. लेजर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. लाइट एमिशन बाय एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. मुझे तो कभी ये फुल फॉर्म याद ही नहीं रहता. लाइट एमिशन एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, इसमें सिर्फ इतना ही बात है. एलईडी स्पॉन्टेनियस है, लेजर स्टिमुलेटेड है. लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है. ऑप्टिकल सोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. डायरेक्टिविटी हर वक्त हाई होनी चाहिए. आपने एंटेना पढ़ा होगा ना, एंटेना की भी डायरेक्टिविटी होती है, गेन होती है, तो ये भी ऐसे ही इस सोर्स की भी डायरेक्टिविटी होनी चाहिए. आउटपुट पावर भी होना चाहिए. कोई भी सिस्टम होगा तो उसकी आउटपुट पावर को भी हमको बतलाना पड़ेगा, इसकी भी सफिशिएंट होनी चाहिए. हर कोई सिस्टम जो है जो मॉड्यूलेशन करेगा उसको लीनियर होना चाहिए. नॉन लीनियर होगा तो वो मॉड्यूलेशन नहीं कर पाएगा. इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन होता है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में. हर मॉड्यूलेशन के वक्त हर वक्त सिस्टम को लीनियर होना चाहिए. वो किस वेवलेंथ पे ऑपरेट करेगा उसकी भी वेवलेंथ की भी जानकारी होनी चाहिए. तो दीज आर फ्यू सोर्सेज, ये रिक्वायरमेंट्स है ऑप्टिकल सोर्स के. डायरेक्टिविटी, आउटपुट पावर, लीनियरिटी एंड वेवलेंथ, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन, कपलिंग एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ, स्टेबल ऑप्टिकल आउटपुट, और इट शुड बी इकोनॉमिकल. अब आप किसी भी सिस्टम को अगर इतना साहित्य लिखना लगेंगे, इफ यू राइट सो मच ऑफ साहित्य यू आर गोइंग टू बिकम ए मोर देन ए प्रोफेसर. तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है. राइटली हमको मॉड्यूलेशन, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन हो जाना चाहिए. कपलिंग ज़्यादा बेहतर रहनी चाहिए. हमारा जो आउटपुट है वो स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ के भीतर आना चाहिए. स्टेबल आउटपुट, आउटपुट मेरी स्टेबल रहनी चाहिए. कोई भी अगर ट्रांसमीटर का पावर ही वैरी करेगा तो वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा ना. विल दैट बी गुड? नो, इट शुड बी अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल बोलने का मतलब वो सस्ता होना चाहिए, फ्रूगल होना चाहिए, तभी तो लोग उसको खरीदेगा. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेजर डायोड? लेजर डायोड के फीचर्स क्या हैं? ये सब चीजें अब आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज में से आ जाएंगी. कुछ को जरा सा देख लीजिए. लेजर डायोड जो है कोहरेंट होता है. इट शुड बी कोहरेंट. आप बोलेंगे सर ये कोहरेंट क्या होता है? ऑल फोटोन्स आर सिंक्रोनाइज, हैं दे आर कॉल्ड कोहरेंट. कोहरेंट का मतलब है कोई चीज जो है एकदम बराबर एक दूसरे के साथ चिपक जाए. कोहरेंट का मतलब होता है सेम एक्टिविटी दोनों करे. तो आपने दो वर्ड पढ़े होंगे ना, एडेसिव पढ़ा होगा और कोहेसिव पढ़ा होगा. जो कोहेसिव वर्ड होता है, एडेसिव होता है जो अलग 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 मटेरियल को जोड़ने वाला जो होता है वो एडेसिव होता है. कोहेसिव जो होता है जो समान चीजें आती हैं उनको जोड़ने वाली चीज कोहेसिव कहलाती है. तो दो फोटोन अगर समान रूप से अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोहरेंट कहलाएंगे. दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी इज कोहरेंस. बेटर डायरेक्टिविटी होगा, हाई पावर होगा, एक्सटर्नल सिमुलेशन की जरूरत नहीं है. एलईडी का मेन प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? कोहरेंस होता है. लेजर के केस में आपको ये जानने की, ये कर्व जरा सा जानने की जरूरत है. देखिए ये आउटपुट पावर है और यहां पर ये आपकी करंट है.
इमीडिएटली लेजर देखिए ये जीरो से चल के कुछ समय लेता है और फिर थ्रेशोल्ड में आने के बाद ये सिमुलेशन इसका सिमुलेशन शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट जहां पर आकर के ये सिमुलेशन शुरू होता है इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो हर एक लेजर की एक थ्रेशोल्ड करंट होती है, इस करंट को जानना पड़ता है। लेजर की थ्रेशोल्ड करंट ऑलमोस्ट 50 टू 70 मिली एम्पियर होती है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 50 टू 70 मिली एम्पियर। दिस थ्रेशोल्ड करंट शुड बी मिनिमम टू मेंटेन द जंक्शन टेम्परेचर। ये जितना कम होगा उतना टेम्परेचर लो होगा और टेम्परेचर कंट्रोल करना लेजर के लिए बेहतर होगा। इसीलिए ये पैरामीटर लेजर का पढ़ाया जाता है कि ये थ्रेशोल्ड करंट कितना है। आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि हमारी थ्रेशोल्ड करंट 50 से लो हो, 50 से 60, लगभग 50 के आसपास हो, 70 की तरफ न रहे। इसके बाद ये नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाता है, एमिशन शुरू हो जाता है। स्पेक्ट्रल विड्थ का मतलब है, देखिए स्पेक्ट्रल विड्थ का मतलब है मॉड्यूलेशन के बाद आपकी जो विड्थ है वो कम होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल विड्थ ये देखिए, ये आपकी पल्स है, इसकी ये जब ट्रांसमिट होके जाएगी मॉड्यूलेट होने के बाद इससे ज्यादा ना चौड़ी हो जाए। अगर यही पल्स आपकी इतनी चौड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके लिए वो विड्थ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। वो क्या करेगा, इंटर मॉड्यूलेशन नॉइजेस क्रिएट करेगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, बहुत सी चीजें आएगी। तो हमारी स्पेक्ट्रल विड्थ जो है बहुत कम। द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द इज द बैंडविड्थ ऑफ द एमिटेड लाइट। द स्पेक्ट्रल विड्थ शुड बी वेरी नैरो। ये जितना नैरो रहेगा, क्या बोल रहा है, कितना नैरो चाहिए, 1.3 नैनोमीटर ही रहना चाहिए। लेजर का स्पेक्ट्रल विड्थ कितना रहना चाहिए, 1.3 नैनोमीटर रहना चाहिए। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होता है जब सिस्टम कोहेरेंट होता है। ये राइज टाइम, और ये देखिए फिर से मैं खोला हूं, ये हर वक्त ट्रांसमीटर का ही, ये रिसीवर का ही राइज टाइम और व्हाट फॉल टाइम है, ये आप पढ़ चुके हैं। लेजर डायोड के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो अभी हमने देखे, 1310 या 1550 पे चलेगा। राइज टाइम फॉल टाइम 0.3 नैनो सेकंड दिख रहा है, देखिए 0.35 आपको बोल रहे थे ना, 0.35 ये 0.3 नैनो सेकंड हो गया। यह आपकी 50 मिली एम्पियर हो गई, थ्रेशोल्ड करंट आपने बोला 50 मिली एम्पियर, नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट 70 मिली एम्पियर, स्पेक्ट्रल विड्थ 1.3 नैनोमीटर था ना, 1.3 था ना, 1.3 नैनोमीटर, एक से लेके 3 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, फाइन। ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी एनीवे 65 डिग्री तक जाता है, और सभी सिस्टम 55 तक रहते हैं। आउटपुट पावर बहुत, ये जितना, अब आप पूछेंगे सर हम लोग कितना लेजर पे वाट, लेजर पे अगर 1 वाट की एनर्जी हो जाएगी तो मोटा मोटा लोहा गल जाएगा। तो हम बहुत कम वॉटेज के ऊपर लेजर को चलाते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अदरवाइज लेजर ह्यूमन के लिए बहुत बहुत नुकसान कर सकता है। हम बहुत बहुत लो पावर पे लेजर को ऑपरेट करते हैं अपने ऑप्टिकल सिस्टम्स को चलाने के लिए। राइटली इसका मैग्नीट्यूड कितना है मैं भूल गया हूँ, बट इट इज इन द मिली वॉट्स के रेंज में ही रहता है। एलईडी का मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेजर का ही जरूरत पड़ता है। सेमीकंडक्टर जो ऑप्टिकल सोर्सेज में इस्तेमाल होते हैं वो गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनिक, GA, गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनिक, ये दूसरा होता है इंडियम गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ये दो गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनिक 800 से 900 नैनोमीटर्स के लिए रहता है, और इंडियम गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड जो है 1000 से लेकर के 1600 नैनोमीटर के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर कंपैरिजन कभी करना पड़े देख लीजिए। लेजर प्रोड्यूसेस कोहेरेंट लाइट, इट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पेक्ट्रल विड्थ इज वेरी लो, हाई आउटपुट पावर, पावर जरा ज्यादा रहता है बट फिर हम इसको कम ही रखते हैं, हाई कपलिंग एफिशिएंसी, लगभग 50% को एनर्जी को आप कपल कर सकते हैं। इट इज ओनली यूज्ड विद सिंगल मोड फाइबर्स, कैन बी मॉड्यूलेटेड डायरेक्टली विद हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू शॉर्ट रिकम्बिनेशन टाइम। इट कैन बी मॉड्यूलेटेड डायरेक्टली विद हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू शॉर्ट रिकम्बिनेशन टाइम, बट एलईडी के साथ देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसेस इनकोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट लाइट नहीं ये लाइट प्रोड्यूस करता, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, इसके ऊपर कंट्रोल कम रहता है, इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ भी ज्यादा रहती है,
लेस लॉन्चिंग पावर, ये लॉन्चिंग पावर इसका कम रहता है, इसकी कपलिंग भी बहुत पुअर रहती है, एलईडी की कपलिंग जो है बहुत पुअर रहती है, और इसीलिए एलईडी को हम क्या करते हैं मल्टी मोड के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, और ये छोटे एप्लीकेशन लो 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 कम डिस्टेंस की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, लैन एप्लीकेशंस इसीलिए लिखा है। तो व्हेनेवर इट इज टोल्ड दैट यू कंपेयर ए लेजर एंड ए डायोड, तो लेजर एंड एलईडी, तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स इनमें से लिख सकते हैं। कोहेरेंट मीन्स क्या होता है? पार्डन सर, हाँ जी, कोहेरेंट माने क्या होता है? हाँ, कोहेरेंट में अभी आपको बोला ना, कोई चीज आप जो है आप सपोज कीजिए आप बंगाली हैं, मैं बंगाली हूँ, एक बंगाली दूसरे बंगाली से कोहरेंट हो जाएगा, एक बंगाली मद्रासी से कोहरेंट नहीं हो सकता, बात समझ आई मेरी? Okay. एक बंगाली के साथ क्या होगा, मैं भट्टाचार्य के साथ बात करूंगा तो इमीडिएटली की कोचिस की कोचिस शुरू कर दूंगा, तो आप क्या लगेंगे बंगाली कोहरेंट हो गया, आप बोलेंगे कि नहीं मिलन मिलना हो जाएगा? हाँ, वो देखिए दोनों एक ही सोर्स से जब रहेंगे ना तो अपने आप आत्म समन्वय या सेल्फ जो है कोऑर्डिनेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का बेनिफिट होता है कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा नहीं होती है और इसकी शार्पनेस ज्यादा रहती है। इनकोहेरेंट का मतलब है अब बालू और जो है गिट्टी ये कभी मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है ना, ये क्या है, ये नॉन कोहेरेंट है। अगर इसको जोड़ने के हिसाब से बोलेंगे अंग्रेजी में वो एडेसिव हो जाएगा, और पानी के साथ पानी क्या है, कोहरेंट है। पानी का बूंद पानी में डालते हैं तुरंत मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, क्योंकि वाटर इज कोहरेंट। बालू और सीमेंट क्या है वो कोहरेंट नहीं है, बालू और गिट्टी क्या है वो कोहरेंट नहीं है। तो डिक्शनरी खोल के जरा कोहरेंट और इनकोहरेंट का मीनिंग देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके इसके डिक्शनरी कोहरेंट और इनकोहरेंट खोल के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इनको या तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी बोल सकते। पार्डन, हेरिडिटी कैरेक्टर? हेरिडिटी कैरेक्टर नहीं है ये, देखिए मैं इसीलिए आपको वो एग्जांपल दिया ना कि एडेसिव और कोहेसिव वो जोड़ने वाले सिस्टम होते हैं, एक होता है एडेसिव, एडेसिव होता है गोंद होता है, तो गोंद क्या करेगा वो डिफरेंट मटेरियल को जोड़ेगा, एक कागज है, एक गम का लेयर बनता है, फिर एक कागज आता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं एडेसिव बोलते हैं, वो इनकोहेरेंट है, ठीक है। और अगर कोई चीज किसी के साथ अपने आप मिल जाए, कोहेसिव का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ सेम टाइमिंग, तो अपने आप क्या है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, तो इन दैट केस उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे। लेजर को प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं ये सब बोलने की जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके होंगे। लेजर के साथ यही है कि आप 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर डायरेक्टली उस लेजर को आंख की तरफ मत लाइए, बस। व्हाइल हैंडलिंग लेजर यू शुड नेवर लुक एट द लेजर वेव सोर्स, नेवर लुक इनटू अननोन लेजर सोर्सेस, नेवर लुक इनटू एनी फाइबर अंटिल इट इज इन एसर्टेंड What you safe level, safe distance. Safe distance क्या है? हर वक्त light का safe distance 25 centimeter है, ठीक है ना? 25 centimeters के distance के भीतर curl किसी भी laser source को मत लेके आइए आँख के साथ. That is what the precaution is. अब optical detectors आते हैं. Optical detectors क्या होते हैं? Generally source तो हो गया, detectors आपने पढ़े होंगे. Avalanche photo diode रहता है या फिर क्या रहता है? पिन डायोड रहता है, PIN. हाँ, PIN. पॉजिटिव इंट्रिंसिक एंड नेगेटिव, PIN. इंट्रिंसिक डायोड जो बनता है वो पिन डायोड होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसीज में भी हम लोगों ने पिन डायोड पढ़ा था, वो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल आता है, यहाँ भी पिन डायोड का इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल पिन डायोड से। और दूसरी रिसीवर मेरी जो है एवलांच फोटो डायोड है, आजकल सब एप्लीकेशन एपीडी पर ही चलते हैं। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर डाल दिया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं PIN। हाँ जी बोलिए। इनका कॉम्बिनेशन है सर, अगर एलईडी यूज करेंगे तो पी नहीं यूज करेंगे।
हाँ एलईडी यूज करेंगे तो पिन डायोड इस्तेमाल कर लीजिए, और आप लेजर यूज करेंगे तो एवलांच फोटो डायोड यूज करिए। सर हाँ जी बोलिए। मतलब तो पिन यूज करेंगे, लेजर यूज करेंगे। हाँ जी हाँ जी, बट आप हायर फ्रीक्वेंसी हायर डिस्टेंस हायर स्पीड वाले सर्किट्स पे जाएंगे तो वहाँ पिन नहीं इस्तेमाल होंगे। पिन डायोड सस्ता सिस्टम, लैन वगैरह का छोटा मोटा जो सिस्टम होता है ना, कम डिस्टेंस के सिस्टम्स में पिन डायोड इस्तेमाल करेंगे। एनीवे हमको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको तो मिलेगा ही, बट कभी कभी अगर कभी बात हो गई वी शुड बी एबल टू टेल समथिंग। Avalanche photodiode, it is a semiconductor based photodiode. It operates with relatively high reverse voltage ranging up to tens of hundreds of volts and sometimes just below the breakdown voltage. In this system, carriers are excited by absorbed photons. Yeh stimulated emission tha na? Isiliye isko avalanche photodiode ko stimulated, yeh laser ke liye, laser source se aa raha hai anyway. These photons are strongly accelerated in strong intrinsic fields, so they can generate secondary carriers and it occurs in photo multipliers. Photo multiply होने से वो जो automatically आपकी जो भी अगर 2 milliampere अगर 2 microampere आई होगी तो वो multiplication होने की वजह से वो 20 milliampere हो जाती है। तो multiply भी वो input को लेकर के वो photo multiplication करके आपको higher output दे देता है। ये character है avalanche photodiode का। The avalanche process effectively amplifies the photo current significantly. फोटो मल्टीप्लीकेशन कर देना इसका मेन प्रॉपर्टी है। रिसीवर में फोटो मल्टीप्लीकेशन कर सके ये जो है आपको रिसीवर को ऑपरेट कर देता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर करंट आईडी फ्रॉम डिटेक्टर टू द इनपुट आउटपुट पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसीवर की एक पैरामीटर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको। For example, 0.3 ampere watts means the incident light having 50 microvolts of power results in 30 microampere of current. इसको अगर आप एस ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 50 microwatt of power 0.6 AW से डिवाइड कर दीजिए 30 microampere आएगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिविटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं रिसीवर का, ये एक पैरामीटर होता है। डाटा शीट खोलेंगे ये सब आपको मिलेगा उसमें। क्वांटम एफिशिएंसी जानने की जरूरत नहीं है, आर करंट कभी कभी जानने की जरूरत है। डार्क करंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फोटो डायोड विदाउट लाइट इनपुट, कभी कभी इनपुट में कुछ भी नहीं रहता फिर भी करंट फ्लो करता है, एरर करंट होता है ये। डार्क करंट डेवलप्स फ्रॉम स्ट्रे लाइट और पावर फ्रॉम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स, ये जो है अनवांटेड अवांछित है, ये अपने आप ही उसमें क्रिएट हो जाता है किसी कहीं से लीकेज होने की वजह से या स्ट्रे लाइट घुस जाता है। डार्क करंट ऑफ ए गुड फोटो डायोड शुड बी लेस देन 10 नैनो एम्पियर्स, ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। ये बोलता है कि ये बेहतर है अगर ये 10 नैनो एम्पियर से कम हो। राइज टाइम फॉल टाइम आप पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं। तो इसके कुछ कुछ पैरामीटर हैं जरा याद कर दीजिए। रेस्पॉन्सिविटी इसकी एपीडी की कितनी है, 5 से 10 के बीच में आती है। और ये देखिए पिन डायोड की रेस्पॉन्सिविटी कितनी है, 0.5 से पॉइंट, देखिए ये एक से भी लो है और ये 1 to 20 के बीच में आ जाता है। कितना डिफरेंस है देखिए रेस्पॉन्सिविटी। क्वांटम एफिशियंसी इसकी 10 to 70 है, एपीडी की क्वांटम एफिशिएंसी की जरूरत है। डार्क करंट 1 to 10 होता है, इसका डार्क करंट 1 to 5 एम्पियर होता है। बैंडविड्थ 1 to 2, देखिए ये कम बैंडविड्थ के लिए इस्तेमाल होती है और ये 1 to 10, ओके बैंडविड्थ का कोई बात नहीं है। बायस वोल्टेज 5 to 6 वोल्ट रहता है और इसके केस में बायस वोल्टेज 20 से 30 के बीच में रहता है। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको कभी कभी रेफर करने की जरूरत पड़ती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। रेस्पॉन्सिविटी इसका ये यूनिटलेस है क्या? ये रेस्पॉन्सिविटी यूनिट नहीं है, रेस्पॉन्सिविटी देखिए उसमें लिखा था ना आपने, रेस्पॉन्सिविटी इज हाउ मच 30 माइक्रो एम्पियर। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट करंट आईडी फ्रॉम द इनपुट डिटेक्टर
टू द इनपुट आउटपुट पावर। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, आईडी आ रहा है ना, तो वॉटेज को अगर आप करंट से और इसको डिले करके वॉटेज वॉटेज कट गया तो करंट ही बचा ना, तो यूनिट उसका करंट है। क्यों सर? रेलवे के यूज के लिए देखिए, शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशंस के लिए ट्रांसमिटेड पावर आप लगभग कितना रखते हैं? -8 dBm से लेकर के -15 dBm के बीच में रखते हैं। रेलवे यूज के लिए जनरली -10, ठीक है, -10, 8, -10। इसीलिए आप देखते भी होंगे अभी जो ऑप्टिकल पावर सोर्स वगैरह होते हैं वो -7 के आसपास के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप इस सर्विस को -8 याद रख सकते हैं। रिसीवर की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट -28 याद रखिए, ये पत्थर की लकीर है शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन के लिए। लॉन्ग हॉल के लिए देखिए, आप पावर को और -8 न कर करके आप पावर को आप कितना कर रहे हैं, 0 की तरफ ले जा रहे हैं। तो रेलवे यूज ये कितनी होगी, -2.2 dBm। और यहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेजर का एवलांच फोटोडायोड की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो आपके इस केस में जो है आप -36 dBm तक जा सकते हैं, बट हमने जो साधारणतर एप्लीकेशन -28, -30, -27, -24 तक ही देखे हैं। रिपीटर्स भी जरूरत पड़ते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिपीटर्स तो जरूरत नहीं पड़ते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स भी आते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को इरिबियम डोप्ड ईडीपीए बोलते हैं, इरिबियम डोप्ड पावर एम्पलीफायर्स बोलते हैं, क्या आप पढ़ चुके होंगे। अभी ये इस्तेमाल नहीं होते, ये WDM में ही इस्तेमाल होते हैं, आप बाद में इसको ज़रा सा पढ़ लीजिएगा। कपलर्स की जरूरत पड़ती है, टेस्ट वगैरह करना होगा, जैसे माइक्रोवेव में आपको डायरेक्शनल कपलर्स की जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही ऑप्टिकल स्ट्रीम को भी ले जाते वक्त अगर कहीं कपल से डीकपल करना है या माय क्वेश्चन सर। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो है ये हाँ तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग प्रकार के एसएफपी भी आती है जिनके लॉन्ग रेंज डिस्टेंस वाली आती है। हाँ, होते हैं वो एसएफपी, एसएफपी तो सिर्फ कपलर है ना, एसएफपी जो है आपको कपल करके देगा, परंतु उसके भीतर एसएफपी का रियल मतलब होता है कि वो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, वो ट्रांस रिसीवर होता है, उसमें ट्रांसमीटर भी रहता है, रिसीवर भी रहता है, और उसमें सूटेबल इंटरफेस भी रहता है, ठीक है। तो उसमें एम्पलीफाई भी होता है सिग्नल? हाँ जी ट्रांसमीटर होगा तो एम्पलीफाई होगा ही ना, क्योंकि हमारे इधर सेक्शन में एक सेंट्रल रेलवे भोपाल में एक सेक्शन में काम चल रहा है। हाँ जी उसकी लेंथ है 60 किलोमीटर। हाँ जी होगा श्योर होगा। और बीच में कोई भी इसमें उसको ड्रॉप नहीं किया गया है, वन रन उसको 60 किलोमीटर ट्रेल कर गया है। यस वो कर सकता है सर, श्योर ही कैन डू। वो उसमें वो क्या लगाना पड़ेगा, इरिबियम डोप्ड पावर एम्पलीफायर होगा और वो एसएफपी के फॉर्म में वो कपल रहेगा, वो एसएफपी स्पेशल है, That is a special SFP. 80 किलोमीटर की SFP लगा रहे उसके लिए। हाँ जी ऑटोमेटिकली हायर लेंथ के लिए होगा तो पावर ज्यादा होगा ना उसका। ठीक है सर, ओके। ऐसे भी ऑप्टिकल में कभी कभी ऑप्टिकल पावर एम्पलीफायर की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जो है इरिबियम डोप्ड ईडीपीए बोलते हैं, इरिबियम देखिए ना ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इरिबियम ये एक जो है रेयर अर्थ मटेरियल है। रेयर अर्थ मटेरियल को डाल देने पर देखिए, द ऑप्टिकल एम्पलीफायर इज मेड बाय डोपिंग ए लेंथ ऑफ फाइबर विद अ रेयर अर्थ मटेरियल है, इरिबियम है। इसको डाल देने से क्या होता है, एक्साइटेशन बढ़ जाता है उसका, इट एक्साइट्स लाइट अराउंड 1.54 माइक्रोमीटर्स टू लो लॉस वेव्स रिक्वायर्ड फॉर ओएफसी। तो ऑटोमेटिकली वो एम्पलीफिकेशन हो जाता है। इरिबियम डोप्ड एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई एडिशनली, आप अगर किसी सिस्टम को ऑप्टिकली एम्पलीफाई करके ले जाना पड़ेगा तो आपको ईडीपीए खरीदना पड़ेगा, वो ऑप्टिकल एम्पलीफायर के यूनिट के हिसाब से आते हैं। फिर फंस गया रे भाई।
ओके ओके ब्रेक ले लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। ओके स्टार्ट करूं। यस सर। ओके लेट मी स्टार्ट देन। तो ये कपलर्स दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे सर ये कपलर सप्लर की क्या जरूरत है। कपलर्स कभी ये देखिए इंजीनियरिंग के काम में आपको आरएफ हो चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो आपको कपल करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक साइड की एनर्जी को दूसरे से साइड में लेके जाना है, सूटेबल कपल नहीं करेंगे तो पावर जो है ट्रांसमिट नहीं होगा, कपल नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, इम्पीडेंस मैच नहीं करेगा, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। तो कपलर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कपलर्स आर द डिवाइसेस दैट कंबाइन डिफरेंट ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑन डिफरेंट पाथ्स इनटू अ सिंगल फाइबर एंड एन ऑप्टिकल सिग्नल। ईच ऑफ दिस These different optical signals have different wavelengths. अलग अलग wavelengths से भी आएंगे, उनको भी कपल करना पड़ेगा। Each wavelength carries a different data stream. Yes, ये भी बात सही है। Use of the couplers increases the capacity of the fiber. एक fiber में अगर multiple inputs ले लेंगे, अगर आपका क्या कहते हैं उसका mode बड़ा होगा और multiple inputs ले पाएंगे तो आपकी fiber की capacity तो बढ़ जाएगी ना, आपका जो है information carrying capacity बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है कपलर जनरली कपलर क्या कहते हैं WDM एप्लीकेशंस में ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। दे कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट फुल ड्यूप्लेक्स सिग्नल ओवर ए सिंगल फाइबर। एक ही फाइबर के ऊपर अगर आप ऐसा व्यवस्था बनाना चाहें तो भी किया जा सकता है। इन दैट केस कपलर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए एक इनपुट लिया, मल्टीपल आउटपुट्स में यह टूट गया, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स लिया और जो है सिंगल यूनिट में तोड़ दिया। तो दिस इज व्हाट द कपलर इज। और भी कपलर ऐसे हो सकते हैं, देखिए टी टाइप के कपलर हो सकते हैं, एक इनपुट आई एक आउटपुट आई, एक आप भीतर से निकाल लिया। एक ट्री कपलर भी हो सकता है, स्टार कपलर भी हो सकता है, देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ कपलर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन वेयर वी यूज। जनरली रेल में ऐसे एप्लीकेशन कम है, हमारे पास बहुत कम है। अब आप पूछेंगे सर ये एटीन्यूएटर क्या होते हैं, एटीन्यूएटर भी आपको चाहिए ना, क्योंकि आपको कभी आप एक रिक्वायर्ड लेवल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपका सपोज कीजिए आपका रिसीवर जो है उस हायर लेवल को ले नहीं पा रहा है, उसे लोअर लेवल को चाह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटीन्यूएट करना पड़ेगा। हायर सिग्नल को लोअर सिग्नल लेवल में कन्वर्ट करने के लिए एटीन्यूएटर डालनी पड़ेगी। एक ऐसी डिवाइस है, कभी कभी हमको हाई रेटेड पावर को लो रेट पे लाने के लिए एटीन्यूएटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एटीन्यूएटर यहाँ पर अवेलेबल है, इसके साथ ये केबल के साथ जुड़ी हुई है। आप जिन एटीन्यूएटर्स को देख रहे हैं वो शायद यही है, देखिएगा। अरे अपने एटीन्यूएटर है वो ऐसे देखे होंगे। कभी कभी ये कपलर जो है 0 dB कनेक्टर भी होते हैं और कभी कभी ये 10 dB के भी होते हैं। इफ इट इज अ 10 dB कनेक्टर, इस कपलर के भीतर क्या है, एक जो है सेलुलोज की एक फिल्म डाल दी जाती है। वन सेलुलोज फिल्म इज पुट इनसाइड द इंटरफेस और तब इसको जो है बना दिया जाता है। अब ये सेलुलोज की फिल्म आप इसको निकाल दीजिए, थ्रो इट ऑफ एंड देन कपल इट, ये कपल कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, 0 dB कपलर हो जाएगा। विद दैट देन इट मे बिकम ए कपलर ऑल्सो।
तो इट इज फॉर एफ सी इंटरफेस, या एफ सी इंटरफेस के लिए और अलग अलग इंटरफेसेस के लिए भी ऐसे बनाए जा सकते हैं. तो इट कैन बी ए जीरो डीबी कपलर ऑल्सो, एंड इट कैन बी ए जीरो 10 डीबी एटेन्यूएटर, 20 डीबी का भी एटेन्यूएटर हो सकता है. कभी ये कपलर को देख के डायरेक्टली कपलर मत बोल दीजिए, कपलर को आप खोल के देख, कपलर को आप हाथ में लेकर के देख लीजिए, अगर वो एटेन्यूएटर होगा तो उसके बॉडी के ऊपर एम्बॉस्ड होगा 20 डीबी एटेन्यूएटर, 10 डीबी एटेन्यूएटर एम्बॉस्ड होगा. फिर फंस गया. ओफ ओ कनेक्टर और कपलर एक ही बात है क्या सर? कनेक्टर और कपलर. हाँ जी, कपलर कनेक्टर जनरली हमारे लिए पहले समय में क्या होता, सब जो है एफसी कनेक्टर आते हैं ना, फेरुल सेंटर्ड एफसी कनेक्टर आते थे, तो जो आपको इस टाइप के दिखते हैं, ये तो आपने देखे होंगे ना ये वाले. एक आपने जो कपलर देखे होंगे इस टाइप के कपलर देखे होंगे, ठीक है जी सर. हाँ हाँ सर, PWDM नहीं है क्या सर? आप पढ़ना चाहते हैं? जी सर. ओ, कल मुझे पढ़ाना पड़ेगा DWDM. ओके, कल पढ़ा दूंगा WDM. एक पीरियड बचा है ना मेरे पास, इसको कनेक्टर बोलिए चाहे कपलर बोलिए, इट इज बेटर टू टेल इट इज अ कपलर ओनली, ठीक है. कभी कभी कपलर में एटेन्यूएटर भी डाल दिया जाता है, इसको आपको देख लेना पड़ेगा, यू हैव टू सी दैट. क्या बात है भाई, मेरा क्यों पावर पॉइंट फंसता है? OTDR नहीं है सर क्या कुछ? OTDR हाँ पढ़ा देंगे, अभी पढ़ाऊंगा, आता हूँ OTDR पे. मैं स्प्लिटर पे नहीं जा रहा हूँ, स्प्लिटर मेरा जो है आपके कनेक्टर्स. कनेक्टर्स आपने जो देखे होंगे वो इस टाइप के होंगे ना, ये आपके कनेक्टर, ये इसने इसको आपने देखी होगी. ये आपके कनेक्टर देखे होंगे, ये SC है, ठीक है. सब्सक्राइबर कनेक्टेड है, स्क्वायर कनेक्टेड भी बोलते हैं, सब्सक्राइबर कनेक्ट भी बोलते हैं. कभी कभी आपको कनेक्टर्स के साथ FC लिखते हैं, PC लिखते हैं, FC एंड PC लिखते हैं. FC का मतलब है फेरुल सेंटर्ड हो गया, ये FC ये वेरिएबल होगा, ये FC भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, LC भी हो सकता है, ये वेरिएबल है. बट इसके साथ ये PC, ये PC भी बोला जाता है. आप में से ये होंगे ये PC क्या है, ये फिजिकल कनेक्ट. ओके, दैट मींस ये FC के बीच का ये फिजिकल कनेक्ट अवेलेबल कराता है, ऐसा कनेक्टर. तो क्वेश्चन आता है कि साहब ये FC क्या है? देखिए ये FC आपको एस ढंग से दिखती है. FC का जो ये फेरूल होता है, ये जो फेरूल होता है ये 2.5 mm का होता है, ये 2.5 mm की होती है. और आपके दो और छोटे छोटे जो लिंक्स होंगे और कनेक्टर होंगे, जो LC टाइप का कनेक्टर होगा उसमें जो आपकी जो फेरूल होगी वह 1.25 mm की होगी. अब कनेक्टर की जब बात करेंगे तो बहुत सी चीजें आती है साहब, ये कनेक्टर क्या क्या है. रिपीटेबिलिटी देखिए आप, इंसर्शन लॉस. कनेक्टर हर वक्त जो है आपको इंसर्शन लॉस जो है 0.5 से 1 dB ही बहुत ज्यादा होता है. ये जितना कम रहेगा, ये 0.3-0.2 रहे तभी बेहतर रहता है इंसर्शन लॉस. और एक और होता है, एक कोई भी इस कनेक्टर का इंसर्शन लॉस रहता है और दूसरा रहता है रिटर्न लॉस.
रिटर्न लॉस जितना हाई होगा, जितना हाई मीन -65 -75 -45 से ऊपर हो तब बेहतर होगा। तो पुराने समय में ये एफसी इस्तेमाल होता था, आजकल ये एफसी इस्तेमाल नहीं होता है। ये एससी हो गया, एससी में भी मोटा रहता है कनेक्टर, आपका फेरुल मोटी रहती है। अब मैं एलसी दिखाता हूं आपको। हाँ, एलसी का देखिए, इसकी जो फाइबर की टिप है यहां पर, ये जो ये आपका जो है फेरुल है, ये कितना हो गया, 1.25 mm का हो गया। आजकल सब जगह जो है यही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आजकल सब ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रिसीवर सब एसएफपी हो गए हैं। एसएफपी के ऊपर ये ल्यूसेंट कनेक्टर ही लगता है, ये प्रोप्राइटरी कनेक्टर है, इरिक्सन कंपनी का जो बनाया हुआ है, इसीलिए इसको प्रोप्राइटरी बोलते हैं। एनीवे, कोई उसको ल्यूसेंट बोलता है, कोई उसको लोकल कनेक्टर भी बोलता है। और इसका फॉर्म फैक्टर भी छोटा है, छोटा सा होता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी और सभी कनेक्टर से बेहतर है। तो आपके तीन टाइप के कनेक्टर हो गए, एफसी, एससी, एसटी और एलसी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एफसी। बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह पर जब कभी देखेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा लगाना, निकालना, उठाना, मैंने बार बार इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा, वहां पर एफसी देखेंगे। एफसी बेसिकली ये मेटालिक होता है, ये पूरा मेटल होता है उसका। और आजकल जितने आ गए हैं सब जो है मेटल हट गया है, वो जो है पॉलीमर के आ गए हैं सब। देखिए ये सब जितने सब प्लास्टिक के हैं, ये सब प्लास्टिक के हैं। एसटी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, एसटी इज वेरी रेयरली यूज। एलसी भी आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इट इज द मोस्ट यूज्ड व्हाट यू से कनेक्टर दीज डेज। कभी कोई पूछे कि साहब कोई भी कनेक्टर का जो है हमारा जो है दो पैरामीटर बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, इंसर्शन लॉस -0.3 से कम होना चाहिए, और इसका रिफ्लेक्टेंस या रिटर्न लॉस -45 से ज्यादा होना चाहिए, -45 -55 -65 जितना हो। रिटर्न लॉस ज्यादा बोलने का मतलब है जितना कम होगा उतना बेहतर है, उसकी क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी वो बेहतर है। कुछ कुछ देखिए, आपने FDMS देखे होंगे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपके काम करते वक्त आपकी केबल आ रही है, केबल को देखिए आपको कनेक्ट करना पड़ता है, एक एंड पे केबल को कनेक्ट ऐसे किया, फिर एक एंड पे केबल को ऐसे कनेक्ट किया, फिर आप जो है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ये। तो दो साइड से केबल आएंगी ना, दो साइड से आने वाली केबल को दो जगह पर टर्मिनेट कर दीजिए, बाकी फिर उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर दीजिए। ये लिंक करने के लिए देखिए ये सब कनेक्टर्स आपके पास अवेलेबल है, पिगटेल्स आपके साथ, पैच कॉर्ड्स अवेलेबल है ना, इन पैच कॉर्ड्स को इन पैच कॉर्ड्स के साथ जहाँ भी जो आपकी जो सर्किट की कनेक्शन हो वैसे दे दीजिए। तो फाइबर को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन में आपको कनेक्शंस को करने के लिए क्या बनाते हैं, FDMS बनाते हैं, क्या कहते हैं IFD बनाते हैं, इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, किया जाता है कि नहीं, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर हमको फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो फाइबर को ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल सब यही स्मॉल स्पेस में हो गए हैं, पहले समय में वो क्या करते थे, बड़े बड़े बक्से बना करके वो रैक के ऊपर माउंट करते थे। आजकल सब जो है 19 इंच की रैक के भीतर ये बहुत फास्ट काम करके इमीडिएटली, आजकल की जो FDMS है वो पिगटेल के साथ आती हैं, इमीडिएटली आप उसको कनेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ टाइम सेविंग है, और ये बेहतर भी है, स्पेस कंज्यूमिंग भी नहीं है। देखिए FDMS SC कपलर से लगा किया गया, स्क्वायर सेंटर्ड कपलर से लगा के रखा है। देखिए ये स्क्वायर सेंटर्ड, ये स्क्वायर सेंटर्ड SC है। SC जनरली ये ब्लू कलर में ही दिखते हैं आपको। FDMS विद E1000, ये ग्रीन कलर में जो दिखते हैं ना, ये हमारे सर्विसेज में ज्यादा नहीं होते, ये रेलटेल में जाइएगा तो आपको ये दिखेगा। ग्रीन कनेक्टर्स के साथ इन्होंने वायरिंग की हुई FDMS। अब आप पूछोगे सर ये बैक साइड क्या है, ये बैक साइड की टर्मिनेशन है, ये फाइबर के साथ जो आपकी फाइबर आ रही है आउटडोर की फाइबर, ये फाइबर के पीछे की तरफ फाइबर की टर्मिनेशन है, ये फ्रंट की तरफ पैनल अवेलेबल। इससे आप आगे दूसरे में कपल भी कर सकते हैं, या फिर इसको ले जाके अपने इक्विपमेंट पे ड्रॉप भी कर सकते हैं।
ये पिकटेल दिख रही है, आप बोलेंगे सर ये पिकटेल क्या होता है, पिकटेल का एक एंड जो है वो खुला रहता है, दूसरा एंड कनेक्टराइज रहता है बस। अगर दोनों एंड पे अगर आपके कनेक्टर लग जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैच कॉर्ड कहलाएगा, यही डिफरेंस है। के पैच कॉर्ड जैसे ही बोला, देखिए ये E2000 का कनेक्टर लगा दिया, एक यहां पर इसने SC कनेक्टर लगा दिया, तो ये दोनों एंड पे जब कनेक्टराइज्ड हो गया तब आपका क्या हो गया, वो पैच कॉर्ड हो गया। ये भी पैच कॉर्ड है, FC है और ये क्या है, LC है, FC LC बीच में ये जो है इंडोर केबल है। अब क्वेश्चन आता है, कोई आप में से बोल रहा था SFP क्या होता है साहब, SFP जो है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मॉड्यूल होता है। अगर आप ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल रिसीवर और आप जो है उसका FC और SC इंटरफेस लगा करके करेंगे तो एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को एकोमोडेट करने के लिए आपकी PCB में 6 इंच × 6 इंच की जगह जरूरत पड़ेगी। तो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 इंच × 6 इंच एक बहुत बड़ी जगह होती है, तो लोगों ने इस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, स्पेस सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर को दोनों को एक ही जगह पर डाल दिया और उसको जो है बहुत छोटे स्पेस में, ऑलमोस्ट 1 square centimeter × 1 square centimeter के एरिया में उसको डाल दिया। SFP की ये आपको एक उंगली के बराबर, ये इंडेक्स फिंगर के बराबर की स्पेस दिखती है ना SFP, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये SFP है, ये देखिए ये आपकी 1 centimeter × 1 centimeter और ये 4 centimeters की एरिया होगी। तो आपके इस एरिया के भीतर ही ट्रांसमीटर आ गया, रिसीवर आ गया और NMS का भी जो सॉफ्टवेयर है वो भी आ गया। तो आप इतना कर देने से आपका जो है बहुत बड़ा सेव एरिया सेव हो गया, 6 इंच × 6 इंच की जो एरिया जो है वो सेव हो गई और आपका जो है बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मॉड्यूल्स, SFP मॉड्यूल्स। आजकल का जो ट्रेंड है वो हर वक्त जो है SFP का है, ऑल हाई एंड के इक्विपमेंट सब SFP के साथ ही आते हैं। देखिए इस SFP के अगर भीतर आप खोल के देखेंगे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दिखेगी, ये आपको एच कनेक्टर दिखेगा, ये एच कनेक्टर जा करके PCB के साथ आपकी बेसिक सर्किट के साथ लग जाता है। SFP दिख रहा है, ये एच कनेक्टर है और ये इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका लेजर वगैरह, इसका टेम्परेचर कंट्रोल, इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एवरीथिंग। और इसके साथ साथ इसकी जो NMS है, इसकी जो NMS के साथ, क्योंकि जो ये जब STM के साथ ऑपरेट करेगा तो इसकी करेंट्स, इसकी वेरिएबल्स, का रिसीवर स्ट्रेंथ, इसका जो एरर्स है, ये सब चीजें भी तो NMS को बतलानी पड़ेगी ना। तो ये प्रॉपरली NMS के साथ आता है, NMS को फीड देने के लिए इसके पास प्रोविजंस रहते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर का, उसको हम बोलते हैं SFP, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मॉड्यूल। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग SFP होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक स्विच की SFP को ले जा करके आप राउटर पे लगा दे, सॉरी STM में लगा देंगे तो नहीं काम करेगा। Whenever you replace an SFP, mind it, आप जिस जगह की SFP को यूज कर रहे हैं उसी के बराबर का इक्विवेलेंट डालिए, नहीं तो फिर वो नहीं काम करेगा। देखिए SFP के कुछ छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन है, शॉर्ट हॉल के लिए अगर होगा -15 dBm, आउटपुट पावर -8, रिसीवर सेंसिटिविटी देखिए सुबह से -28 दिख रही है आपको, रिसीवर ओवरहोल्ड -8, वेवलेंथ जिस पे ऑपरेट कर रहा है, कनेक्टर इसका क्या है, फाइबर क्या है, ये आपको बतलानी पड़ेगी। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग SFP आएंगे। जब कभी आप चेंज करते हैं तो ऐसे मत मिला दीजिए उसको, यू कीप इट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड और उसको ढंग से इस्तेमाल करिए, ऐसे मिक्स हो जाएगा तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। स्लाइसिंग मैं छोड़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ मैं, जरा
OTDR बतला दूं नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। सर ये इंसर्शन लॉस सर रिपीटेबिलिटी सर। इंसर्शन लॉस जो है कभी भी कोई भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकली चाहे ऑप्टिकली कोई भी सिस्टम को आप लगाएंगे भीतर डालेंगे तो वो अपना उस सिस्टम से कुछ एनर्जी तो खाएगा ना। आप मेरे कमरे के भीतर आएंगे तो मेरे कमरे का ऑक्सीजन आप कंज्यूम करेंगे कि नहीं? तो आपने जो कंज्यूम किया ऑक्सीजन उसको क्या बोलेंगे हम? इंसर्शन लॉस बोलेंगे। कोई भी सिस्टम में कभी कोई भी सिस्टम कपल होगा तो इंसर्शन लॉस आएगा ही आएगा। इंसर्शन लॉस जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है। दूसरा जो लॉस होता है उसे बोलते हैं रिटर्न लॉस। अगर आपके सिस्टम और मेरे सिस्टम के बीच में इम्पीडेंस का मिसमैच हो जाए, कपलिंग का मिसमैच हो जाए, तब क्या होगा? बहुत सा एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो रिफ्लेक्शन लॉस कहलाएगा, रिटर्न लॉस कहलाएगा। वो रिटर्न लॉस भी जो है वो मैग्नीट्यूड में -45 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है। इसको आप बड़ा छोटा जैसे भी आप समझ लें, अपना समझ लीजिए। हर वक्त रिटर्न लॉस जो है -45 -55 से बेहतर होना चाहिए। That means हमारी रिटर्न लॉस जितनी कम होगी उतना ज्यादा कपलिंग होगा और उतना ज्यादा सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो रिटर्न लॉस हो गया और इंसर्शन लॉस हो गया। एक होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी होता है कि आप एक जो है बार बार जब एक कनेक्टर को लगाएंगे तो सेम रीडिंग आनी चाहिए ना। अगर आप एक FC कनेक्टर को लगाएंगे, अभी आपने रीडिंग लिया 0.3 dBm, फिर आपकी कुछ और बाद रीडिंग, फिर उसी कनेक्टर को लगाया, फिर वही रीडिंग 0.35 dBm हो गया, फिर आपने फिर अगर दूसरी बार लगाया वो 0.37 dBm हो गया। तो अभी आपका वेरिएशन क्या हो गया? 0.3, 0.35, 0.357 हो गया। तो ये वेरी कर रहा है ना, तो ये रिपीटेबिलिटी में ये वेरिएशन होता है। पहले समय में क्या होता था, जब FC या SC टाइप के कनेक्टर जो स्क्रूड कनेक्टर होते थे, उसको एंगल में जाके कनेक्ट होता था ना, तो हर वक्त अलग अलग रीडिंग आती थी। तो लोगों को लगा कि ये सब अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने क्या किया, स्क्रू सिस्टम हटा करके वो जो पुश और लॉक वाला जो सिस्टम है ना, आजकल के जितने कनेक्टर देखिएगा वो पुश कीजिएगा RJ45 की तरह जा करके वो लीवर लॉक हो जाता है। तो हमारे ऑप्टिकल कनेक्टर भी सब जा करके क्या होते हैं, पुश एंड लॉक सिस्टम होता है। तो पुश एंड लॉक में रिपीटेबिलिटी अच्छी होती है। अगर आपका पहली बार सिस्टम में 0.3 आया, 0.33 आया, तो दूसरे बार भी 0.33 ही आएगा। तो रिपीटेबिलिटी इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए भी होता है। पुराने जो सिस्टम होते थे FC वगैरह, वो 500-600 के लिए होते थे लगाने के लिए। आप 600 टाइम्स उसको ओपन करिए, लगाइए, उसके बाद फेंक दीजिए। परंतु आपके जो नए वाले जितने कनेक्टर है, इसकी जो है ऑपरेशन जो है ये ज्यादा है। इट कैन बी यूज फॉर मोर देन 500-1000 टाइम्स भी आप लगा निकाल सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट वी कैन टेल विद दिस ऑल थिंग्स। आप लोगों ने ये मैकेनिकल स्लीव नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या कभी? एक मिनट सर, आता हूँ। रुके, कुछ नहीं किया सर। ये जो स्लीव है, मैकेनिकल स्लीव है, जनरली आजकल दिखती नहीं है, तो इसी को बोलते हैं सेंटरिंग स्लीव। ये एक साइड से फाइबर को डाल दीजिए, दूसरे साइड से फाइबर को डाल दीजिए, और मैकेनिकल जो है आपके पास स्प्लाइसर आती है, उसके ऊपर रख करके इसको दबा देने से ये कनेक्ट हो जाता है। जनरली इसकी जो लॉस है, क्योंकि एक एक फाइबर को स्प्लाइसर को बुला के करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर इमीडिएटली रेस्टोरेशन की जरूरत है तो आप मैकेनिकल स्प्लाइस करके भी काम चला सकते हैं, एज आई शोड यू हियर। ये मैकेनिकल स्प्लाइस है, इसको हम सेंटरिंग स्लीव भी बोलते हैं, बट दिस हैज टू बी वर्क्ड विद अ मैकेनिकल स्प्लाइसर। मैकेनिकल स्प्लाइस, मैकेनिकल किट आती है, एक छोटी सी प्लास्टिक की रहती है, उसके साथ लगा करके करेंगे। वेंस यू कम टू द लैब आई विल शो यू दिस थिंग्स।
लेकिन सर ये अवेलेबल नहीं है, कहीं पे यूज नहीं होती है ये। नहीं नहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, रेलवे के काम में कब जरूरत पड़ेगा कोई ठीक नहीं है। अगर आप एसएससी हैं और स्टोर होल्डर हैं तो आप कम से कम सेंटर स्लीव और ये मैकेनिकल जो स्प्लाइस का जो किट है ये अपने मंगा के रखिए अपने पास, कब किस वक्त जरूरत पड़ेगा कोई ठीक नहीं रहता। तो मेरे पास समय कितना बचता है, 15 मिनट बचते हैं आई थिंक। मैं पहले ओटीडीआर खत्म कर दूं फिर आता हूं इसके ऊपर। ओटीडीआर ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, मैं आशा करता हूं आप सबने देखा होगा। ओटीडीआर इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइबर, सत्य निष्ठा, फाइबर की निष्ठा को चेक करने वाला जो मीटर होता है उसको ओटीडीआर बोलते हैं, पीटेल ओटीडीआर दैट चेक्स द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ओके, एनीवे एवरी कम्युनिकेशन इंजीनियर को जो है, जो ऑप्टिकल इंजीनियर है उसको जो है ओटीडीआर से नाता पड़ता ही है। ओटीडीआर जो है वो डॉक्टर का जो स्टेटोस्कोप होता है वही ओटीडीआर जो है कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंजीनियर का स्टेटोस्कोप होता है। ऑप्टिकल ओटीडीआर को जो है ये एक लीनियर, ये जो है एक रेडार के तरह देखा जाता है। रेडार का फंडामेंटल क्या होता है, आप पल्सेस को आकाश के ऊपर डाल दीजिए, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होगा तो वो जब उस पल्स से अक्रॉस हिट करेगा तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा। आप अपने एंड पे जहां से आपने ट्रांसमिट किया उसी जगह पर आप अपने रिसीवर को बहुत हाई एंड की सेंसिटिविटी वाला रिसीवर रखिए और उस रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करिए। उस रिफ्लेक्शन को आप जब डिटेक्ट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट आकाश में किस दूरी पर, किस जगह पर है और वो कैसे मूव कर रहा है। क्योंकि ये जो है रेडार जो है ऑप्टिकल डोमेन में काम करता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर मिलते हैं बोलते हैं इसको। बट ये इफेक्टिवली क्या है, ये एक रेडार है, एक लीनियर रेडार है। अब आप पूछेंगे साहब ये दिखता कैसा है, दिखता तो कुछ ऐसा ही है, ये छोटा सा एक ओटीडीआर दिख रहा है कुछ, इसके पास फेस पैनल के ऊपर एलईडी की स्क्रीन है और कुछ सारे ढेर सारे बटन हैं इधर उधर। इट प्रोड्यूसेस द ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ द फाइबर स्टेटस विद डिफरेंट इवेंट्स। ये क्या है, ये जो एलईडी की स्क्रीन है उसके ऊपर ये डिस्प्ले में ये जो है फाइबर का जो स्टेटस बतला देता है। ओटीडीआर मेजर्स द डाटा, और ये OTDR जो है डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। OTDR जो है डाटा को भेजता है, डाटा का रिफ्लेक्ट होके आता है, तो रिफ्लेक्ट होने वाली डाटा को OTDR जो है बहुत बहुत पारंगत है। OTDR इज मेड वेरी सेंसिटिव टू रिसीव दी रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस को रिसीव करके क्या करता है, वो डाटाबेस बनाता है, डाटाबेस बना करके उसको जो है ग्राफिकली उसको डिस्प्ले करता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है और फिर डिस्प्ले करके आपको आउटपुट, आपकी जो है आउटपुट दे देता है। तो ये डाटा एक्विजिशन सिस्टम होने की वजह से ये जो मेजरमेंट होते हैं इसके, इसको बोला जाता है कि साहब ये जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ओटीडीआर कभी कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, ओटीडीआर हर वक्त रिफ्लेक्टेड पावर को लेकर के रखता है। ओटीडीआर चूंकि डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वो उसकी डाटा को स्टोर करके रख सकता है, डाटाबेस बना सकता है, उसकी हार्ड कॉपी बनाई जा सकती है और इसको डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है। तो आजकल की ओटीडीआर बहुत हाई एंड की ओटीडीआर हो गई है। नेटवर्क ओटीडीआर अगर आप रखेंगे तो आप जो भी मेजरमेंट है आप इमीडिएटली नेटवर्क के थ्रू आप अपने ऑफिसर को या अपने बॉस को इमीडिएटली सेंड कर सकेंगे। तो दीज डेज ओटीडीआर हैव बिकम वेरी वेरी व्हाट यू से वेरी एडवांस्ड। ओटीडीआर से आप मेजर क्या क्या कर सकते हैं सर, देख लीजिए। OTDR से आपकी जो मेजरमेंट है, मेजर्स द केबल ब्रेक्स एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंसेस, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पे से ये बतला देगा आपको। मेजर्स द स्प्लाइस एंड कनेक्टर लॉसेस को भी बतला देगा, फाइन। इट मेजर्स द लॉस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइन, ये भी बतलाएगा। इट मेजर्स द ट्रांसमिशन लॉस, ये ट्रांसमिशन लॉस को भी बतला देगा। इट गिव्स द लेंथ ऑफ द केबल, ये 5 पॉइंट है जो एक एक OTDR आपको अवेलेबल कराएगा। पर आप पूछते होंगे सर ये कैसे OTDR कर देता है। इस OTDR को करने के लिए, OTDR की मेजरमेंट करने के लिए दो फंडामेंटल है। वो फंडामेंटल क्या क्या है जरा मैं मुझे बतलाता हूं। ये पहला फंडामेंटल है रैलेस बैक स्कैटर।
रैलेस बैक स्कैटर, ओके। दूसरा फंडामेंटल है फ्रेजनल रिफ्लेक्शन। अगर ये दो फैक्ट, ये दो पॉइंट्स मेरे पास नहीं हो तो मेरा ओटीडीआर नहीं काम कर सकता। व्हाट इज रैलेस बैक स्कैटर? रैलेस बैक स्कैटर जो है ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब कभी कोई रे आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट बैक में स्कैटर होगा। तो ये नेचुरल फिनोमिना होने से जो भी फॉरवर्ड गोइंग एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होके बैक आएगी। तो इस टाइप की जो एनर्जी बैक होकर के आएगी और ओटीडीआर रिसीव करेगा उसको हम बोलेंगे रैलेस बैक स्कैटर। और फ्रेजनल रिफ्लेक्शन किया है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएटेड है। ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब आपका कोई ना कोई इम्पीडिमेंट आएगा, इम्पीडिमेंट आने कोई बाधा आएगी। अगर वो कॉन्टिन्यूस होमोजीनियस केबल है तो रैलेस बैक स्कैटर होता रहेगा, बट आप एक केबल को जो है बीच में ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने से क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक केबल में एयर आ जाएगा, फिर ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? देखिए, अगर ये ब्रोकन केबल है तो ये अभी ब्रोकन हो गया, ये एक ब्रोकन पार्ट हो गया, और अब ये इसके बीच में क्या हो गया, एयर आ गया ना, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हो गया। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या था, 1.5 था, यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, 1.5 हो गया। अगर होमोजीनियस रहता तो ये 1.5 चला जाता, तो क्या होता, रैलेस बैक स्कैटर होता। बट अब क्या है, यहाँ 1.5 से जब ये 1 जाएगा, फिर 1 से 1.5 हो गया, तो ये अननेचुरल हो गया। अननेचुरल होने से एक और रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेजनल रिफ्लेक्शन का जो पावर होता है वो हाई होता है। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड पावर है वो बहुत हाई होती है। रैलेस बैक स्कैटर की जो पावर होती है वो बहुत लो होती है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टू बेसिक व्हाट यू से फंडामेंटल्स ऑफ ओटीडीआर। रैलेस बैक स्कैटर देखिए, ये इम्पीडिमेंट आ गया, बीच में चेंज होने की वजह से रिफ्लेक्शन होगा, और ये रैलेस बैक स्कैटर हो गया, और ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन, हाँ रैलेस बैक स्कैटर हो गया, ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ दिखाया नहीं है, एनीवे फ्रेजनल रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर आपका कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर का मतलब ये हो गया, ये दिस इज ए कनेक्टर। कनेक्टर होगा तो कनेक्टर में कुछ तो इफेक्ट रहेगा ना। इट इज नॉट ए होमोजीनियस केबल, होमोजीनियस केबल नहीं है। होमोजीनियस केबल नहीं होने से देखिए, ये इमिडिएटली यहाँ पर जो ट्रेस आया वो एक ये हाई चला गया, फिर देखिए यहाँ गया, फिर ये हाई दिया। ये जहां जहां हाई जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, आपकी जो है फ्रेजनल रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड मैंने बोला कि ये रैलेस बैक स्कैटर से 1000 टाइम्स बड़ा होता है, 1000 to 10,000 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये एक इवेंट दिख रहा है आपको। दूसरा इवेंट दिख रहा होगा कि ये सब ये स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं ना, ये देखिए बेंड हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन है। व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन? दिस स्ट्रेट लाइन सिग्निफाइज योर रैलेस बैक स्कैटर। ये रैलेस बैक स्कैटर है, RBS है। और ये स्पाइक क्या है, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन से F। तो आपके यहां से आने के बाद देखिए, ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन था, फिर ये रैलेस बैक स्कैटर आया, फिर कोई स्प्लाइस लॉस होने से जरा सा डाउन हो गया, फिर रैलेस बैक स्कैटर आया, फिर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर रैलेस बैक स्कैटर आया, फिर जरा सा डाउन हो गया, फिर रैलेस बैक स्कैटर, सॉरी फिर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर रैलेस बैक स्कैटर, फिर जाकर के क्या होगा, केबल एंड हो गया। केबल एंड होने के बाद क्या हो गया, फिर से रैलेस फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो गया। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है ये कॉन्सिक्यूटिव जो है आपके पास रिफ्लेक्शन आने लग गए। अब आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्शन क्यों आ गया, टाइम डोमेन बहुत फास्ट डोमेन होता है और ये जो रिफ्लेक्शंस हैं एक समय में कई बार रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो ये जो है कॉन्सिक्यूटिवली नॉइस के फॉर्म में ये रिफ्लेक्शंस आपको दिखते रहते हैं। तो आपकी ओटीडीआर की ट्रेस यही होती है। एक्स एक्सिस में ओटीडीआर क्या बतलाता है, डिस्टेंस बतलाता है। वाई एक्सिस में क्या बतला है, एटीन्यूएशन बतलाता है। किताबों में एटीन्यूएशन लिखा रहता है बट रियली ये जो वाई एक्सिस है ये रिफ्लेक्टेड पावर है। क्या है, रिफ्लेक्टेड पावर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्चुअली इस ट्रेस को देखने से तो एक जगह सर कनेक्टर पेयर के लिए फ्रेजनल रिफ्लेक्शन है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, आई विल मेक इट क्लियर, बहुत क्लमजी हो गया।
मैं आपको क्लियर देखिए, आपने यहाँ से केबल स्टार्ट किया, यहाँ से आपकी केबल है ना, तो जैसे ही ये ऑप्टिकल सोर्स, ये लेजर आपका है ना, LS है ना, लेजर सोर्स आपके साथ फाइबर पे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर कुछ कपलिंग जो है परफेक्ट कपलिंग नहीं होगा, परफेक्ट कपलिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेजनल रैलेस बैकस्कैटर, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर FR हो जाएगा। ये देखिए FR की वजह से आपको ये जो है ये आपको ये हो गया, ये स्पाइक आ गया। इनिशियल कपलिंग लॉन्च पैड, इसको बोलते हैं लॉन्च पैड, इस लॉन्च पैड के ऊपर एफिशिएंटली कपल नहीं होने की वजह से, क्योंकि कपलिंग हर वक्त परफेक्ट नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। तो आपका पहले क्या हो गया, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन जो है नॉर्मल होते ही अब ये रैलेस बैकस्कैटर शुरू हुआ, रैलेस बैकस्कैटर हुआ, अब आपके पास क्या आ गया, एक स्प्लाइस आ गया। स्प्लाइस क्या है, स्प्लाइस इज ए होमोजीनियस जॉइंट ने, तो क्या है स्प्लाइस क्या है, जरा सा एटीन्यूएशन देगा, कुछ भी 0.2 dB एटीन्यूएशन दिया तो ये देखिए पावर क्या है, जरा सा लॉस हो गया, ये नीचे की तरफ है, फिर रैलेस बैकस्कैटर आ गया। तो आपने अभी तक कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ना सर, स्प्लाइस लॉस 0.1 है कि 0.2 है ना सर? भाई 0.1 0.2, एकदम लकीर के फकीर मत जान बन जाइए, वो तो वेरिएबल होता है ना, हर वक्त 0.1 ही होगा ऐसा थोड़ी होता है, कभी कदार आपको अच्छा नहीं हुआ, अब रात हो गई है आप नहीं कर पा रहे हैं, 0.2 भी करके भाग जाते हैं ना, आइडियल कंडीशन में 0.1 ही है ना, 0.1 ही बोला जाता है। ठीक सर, 0.1 ही बोला जाता है, 0.1 0.1.5 1.3 1.2 NSA ही बेहतर होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर पहुंच करके क्या है, कनेक्टर लगा दिया। अब कनेक्टर लगाने से भी तो फिर देखिए होमोजेनिटी ब्रेक हो गई ना, होमोजेनिटी जैसे ही ब्रेक होगी तो ये क्या होगा, क्या बनाएगा, ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन बनाएगा, ये फिर FR आ गया। FR आने के बाद ये नॉर्मल हो गया, फिर देखिए रैलेस बैकस्कैटर आ गया, फिर स्प्लाइस लॉस आ गया, फाइबर बेंड हो गया, फ्लाइस जो भी हो ये भी कुछ लॉस क्रिएट किया, लॉस हो गया, फिर आया, फिर देखिए फिर मैकेनिकल स्प्लाइस आ गया, मैकेनिकल स्प्लाइस आ गया तो फिर डिस्पैरिटी आ गई, फिर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन, फिर आया केबल खत्म हो गया, केबल खत्म हो गया, फिर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर आपके पास एंड हो गया। तो दिस इज द जो डिस्प्ले होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये ट्रेस देखने से, मान लीजिए कि कहीं ब्रेक हो गया तो मैंने ट्रेस देखने से कौन सा कनेक्टर मैंने मैकेनिकल स्प्लाइस के लिए FR है, कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? FR देखिए, FR का मतलब है ये जैसे ही ये जो स्पाइक्स दिखेंगी ना, ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन है, और ये जो ब्रैक लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो है ये रैलेस बैकस्कैटर है, तो ये तो आपको ट्रेस है ना, दिस ट्रेस हैज टू कम। अगर कभी कोई फाइबर में कोई दिक्कत होगी तब ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ओनली आपके पास केबल में क्या होगा, स्प्लाइस लॉस होगा, कनेक्टर लॉस होगा। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन तभी आएगा जब केबल में ब्रेक होगा या फिर कोई कनेक्टर आएगा। हाँ वही सर पूछना चाहते हैं कि कौन सा कनेक्टर के लिए कौन सा FR है और ब्रेक के लिए कौन सा FR का मतलब है, इट इज ए हाई, वो अप गोइंग जो किंक है, इसको बोलते हैं किंक ना, ये जो पल्स के साथ जो किंक है, ये जो हाई राइजिंग है ना, इसी को किंक बोलते हैं। ये किंक ही जो है ये FR को डिनोट करता है। ये कपलर के लिए भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर की ब्रेक के लिए। देखिए ये किंक आया ना यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो गई ना, वही सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ब्रेक के लिए है। ओके 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 सर, जब आपका एक मिनट, लेट मी इसको मिला दूं, मैं अभी बताता हूं। एलशे बनर्जी सर। हां जी सर, अगर टाइम में लॉस होगा तो सर? पार्डन, हाँ सर, ये कहीं जैसे वो FC के क्लोजर में लॉस होगा तो सर? हाँ क्लोजर में लॉस होगा तो आपको दिखेगा, अगर ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक दिखेगा, अगर लॉस होगा तो ये देखिए, सपोज कीजिए OFC की एनक्लोजर में लॉस हो गया और ये लॉस जो है इतना इतना इतनी दूरी पर आ गया, तब आप जान जाएंगे ना कि साहब ये बड़ा लॉस हो गया। ये देखिए दिस इज द बिग मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। अब यहाँ पर कितनी मैग्नीट्यूड थी आपकी, इतनी थी ना, ये छोटी सी मैग्नीट्यूड है ना लॉस की, और ये लॉस वहां तो रिफ्लेक्शन आएगा ना सर, लॉस की लाइन ये बेंड ज्यादा हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। आपको ये जो कर्व है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट ऐसे आनी चाहिए, अगर कहीं कर्व जो है ज्यादा लॉस हो गया तो ये कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि हमारी लॉसी जॉइंट हो गई है। और अभी जो सज्जन पूछ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि साहब हम कैसे आइसोलेट करेंगे। सपोज कीजिए ये मेरा किंक आया,
ठीक है ना। अब इसके बाद मेज किंग के बाद अगर मेरा फिर रैलेस बैकस्कैटर आ गया, दैट मींस मेरी लाइट जो है कपल हो गई ना, तो तब मैं जान जाऊंगा ये कोई कपलर है। अगर मेरी रैलेस सेटर के बाद जो है फिर ये नॉइज आना शुरू हो गया, दैट मींस दैट इज द एंड ऑफ द केबल। इसके बाद फिर बैकस्कैटर आया, नहीं आया ना। अभी कोई पूछे कि साहब ये एटीन्यूएशन है, तो एटीन्यूएशन जनरली इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पावर, ठीक है। और ये जो है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये बोलता है कि ये साहब डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो है ही, डिस्टेंस इज कैलिब्रेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कैलिब्रेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये x एक्सिस क्या है, इट इज अ डिस्टेंस कैलिब्रेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बेसिकली ये टाइम है, इस टाइम के साथ ही वो कैलकुलेट करता है। OTDR में एक बहुत हाई एंड का एल्गोरिथम रहता है, वो रिफ्लेक्शंस को एल्गोरिथम में डाल करके उसको डिस्प्ले में दे देता है और उसको डिस्टेंस में कैलिब्रेट कर देता है। और ये जो ट्रेसेस हैं, ट्रेसेस से आप इवेंट पता कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो था ये कौन सा है, तो ये डेड जोन आता है। ये डेड जोन मैं आपको कल बता दूंगा, आई थिंक आई एम कवरिंग द टाइम, दूसरा कोई बंदा सफर कर रहा होगा। एक डेड जोन आता है, इस डेड जोन को जो है, अब आपके लिए क्वेश्चन आता है ये डेड जोन क्यों आ रहा है सर। ये डेड जोन इसलिए आ रहा है कि जो आपका फ्रेजनल रिफ्लेक्शन है ना, ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है और रैलेस बैकस्कैटर की मैग्नीट्यूड बहुत छोटी है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो रैलेस फ्रेजनल रिफ्लेक्शन इतने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इतने देर में जो रैलेस बैकस्कैटर है वो बहुत छोटी अमाउंट है, वो क्या हो जाता है इसमें खो जाता है। तो इसीलिए ये जो रैलेस बैकस्कैटर यहाँ से आना चाहिए था ना, वो यहाँ नहीं आता है, वो क्या हो जाता है इसमें डिजोल्व हो जाता है। द कर्व शुड हैव कम दिस वे, ऐसा आना चाहिए था, बट क्या हुआ, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पे लॉन्च पॉइंट पे होने की वजह से, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये किंक आ गया। इस किंक की वही हम जो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम डेड जोन बोलते हैं। ये डेड जोन जो है ये एक OTDR का हैंडीकैप है। दिस इज द डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट। इस डिस्टेंस में डिफिकल्टी यही है कि अगर मेरी कोई जो है इवेंट अगर इनिशियल केबल्स में ही आ जाएगी तो वो डेड जोन में लॉस्ट हो जाएगी। डेड जोन को हम बोलते हैं कि इट इज व्हाट यू से इज जोन गेट्स लॉस्ट, डिस्टेंस इसकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। अगर कोई इवेंट इस जोन में होगा तो अनडिटेक्टेड रह जाएगा, वो नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई OTDR वाले क्या बोलते हैं कि OTDR जब आपके पास सप्लाई करेंगे वो एक स्पूल देंगे, स्पूल में बेयर फाइबर का एक स्पूल कनेक्टर के साथ लगा के देंगे। वो बोलते हैं कि जब कभी आप टेस्टिंग करिए वो बेयर फाइबर की स्पूल को आप OTDR से कनेक्ट करके जिस फाइबर पॉइंट से टेस्ट करते हैं स्पूल के दूसरे एंड को उस टेस्ट पॉइंट पे लगाइए, तो आपका जो ही डेड जोन है वो स्पूल में कवर हो जाएगा और बाकी आपकी जो फॉल्ट है वो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, तो वो आप इवेंट को वो फ्रेजनल रिफ्लेक्शंस के फॉर्म में, रैलेस बैकस्कैटर के फॉर्म में आप देख सकेंगे। तो OTDR जब कभी आपको दिया जाएगा, OTDR के साथ आपको एक बेयर फाइबर का स्पूल भी मिलेगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो पूछ लीजिए, एक आध दो मिनट और स्पेयर कर सकता हूं। सर हाँ जी सर, मीडिया कन्वर्टर में हम लोग एक ही कनेक्टर यूज कर रहे हैं सर, ट्रांसफर रिसीव एक ही फाइबर। आजकल ऐसा प्रोविजन कर दिया, पहले जो है पेयर ऑफ होता था, पेयर से चलता था, आजकल एक में भी आदमी बहुत एडवांस हो जा रहा है भाई, वो एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा है, एक ही फाइबर में ट्रांस रिसीव दोनों किया जा सकता है।
ओके सर, वो जो कनेक्टर हम लोग बताए नहीं, वो कनेक्टर सेम कनेक्टर ही है, उसी कनेक्टर से ही हो जाता है। सर डेड जोन में फाइबर ब्रेक होगा तो सर लेजर आगे जाएगा ही नहीं ना। ओहो, इसीलिए मैंने बोला ना कि वो जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं वो किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये टाइम जो है, ये जितने टाइम के लिए इसने घेर दिया इसको, ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन ने इसने टाइम को ब्लॉक कर दिया। ये टाइम जब ब्लॉक हो गई तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो वो डिस्प्ले थोड़ी होगी, बताई थोड़ी जाएगी। जब वो नॉर्मल हो जाएगा, इसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई इवेंट आएगा तो बता देगा वो। दैट इज व्हाट इट इज टोल्ड। अगर आप डिस्टेंस को डिस्टेंस समझेंगे तो ओटीडीआर नहीं समझ पाएंगे, इस डिस्टेंस को फंक्शन ऑफ टाइम समझिए। इट इज इट कैलिब्रेटेड इन डिस्टेंस बट इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस फंक्शन ऑफ टाइम के भीतर, इस नंबर ऑफ टाइम के भीतर, इसके भीतर की टाइम के भीतर अगर कोई भी इवेंट आएगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लॉस्ट इन द फ्रेजनल रिफ्लेक्शन। जब इसकी टाइम के बियॉन्ड जाएगा तब वो डिस्प्ले हो जाएगा, इसीलिए ये डिस्प्ले हो गया। बात समझ आई मेरी? हेलो, ओके सर। हाँ ओके ओके सर, ओके सर। हाँ जी सर, जब ओटीटी टेस्ट करेंगे तो अनदर एंड में एसटीएम रहेगा। हाँ नहीं नहीं, फाइबर में पावर रहने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, दूसरे एंड में एसटीएम लगा करके नहीं करना चाहिए, खुल के करना चाहिए ना। आप जनरली पैच पैड पे करते हैं, पैच पैनल के ऊपर करते हैं, जब आप उसको फाइबर खुलवा दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ से लेजर लॉन्च कर रहे हैं ना, जनरली ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी फेलियर पोजीशन पे रहते हैं तो फेलियर एंड पे आपको पता ही रहता है, कहीं ना कहीं जाके फाइबर का एंड हो ही रहा है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने जो है एफडीएमएस के ऊपर उसकी कनेक्शन को कटवा करके तभी देखिए। लेकिन सर जनरली हम लोग खोल के नहीं, ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। वो सब देसी मेथड में वही तो होता है ना, इंजीनियर्स को बहुत स्कोप रहता है अपना अपना चलाने का। उसके लिए दूसरे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को भी जान के रखना चाहिए, अपना लोकल प्रैक्टिस भी रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जान के रखिए, कभी साहब लोग आ जाएं तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करिए, अपने जब अपने कंट्रोल में रहे तो लोकल प्रैक्टिस करिए। सर फिर तो सर दूसरे एंड पे भी सर भेजना पड़ेगा किसी को। हाँ सर दूसरे एंड पे भेजना पड़ेगा किसी को। हाँ यही तो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, टेस्ट के लिए ओटीडीआर करिए तो दो एंड पे रखिए, तभी आपको क्लियर होता है। ओटीडीआर का कभी कभी इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि एक एंड से करने से पता नहीं चलता है, फिर दूसरे एंड पे भेजना पड़ता है। लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर देयर विद ओटीडीआर। लेजर एसटीएम में जाएगा तो उससे कुछ है। सीधी बात है, लेजर एसटीएम में जाएगा तो बिटर रेट क्रिएट करेगा ना भाई, वहां पर उसकी रिसीवर तो आपकी लेजर को सेंस करेगा कि नहीं? यस सर। नहीं सर, सभी सब करते तो ऐसे ही सर, एक एंड से करते हैं। अरे एक आध एंड से करते हैं, एक आध दो मिनट के लिए करके निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। उतने देर में तो रेलटेल को भी खबर नहीं लगती, हमारे लोगों को भी नहीं खबर लगती। रेलवे के सर चार फाइबर है, वर्किंग वाले पे करते नहीं है, स्पेयर पे करते हैं। ब्रेक वर्क होना चाहिए, वर्किंग वाला ब्रेक होगा तो वर्किंग भी करेंगे ना। अगर सिग्नल ही ब्रेक हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ब्रेक होगा तो चलिए ब्रेक ही हो गया, कोई बात नहीं है। अगर थ्रू है सर, डाउटफुल ब्रेक हुआ ना, ब्रेक है या पता नहीं है, वो देखने के लिए अगर ओटीडीआर लगाएंगे तो कंफर्म नहीं है पहले से कि ब्रेक है या क्या दिक्कत है। तो जनरल प्रैक्टिस में आप लोग क्या ऊपर से ही करा लेते हैं? सर कभी सिंगल फाइबर ब्रेक हुआ एसटीएम का तो सर उस पे ही ओटीडीआर लगा लेते हैं। सर अभी टी ब्रेक वगैरह भी लिया जाए, मुझे भी पूछना पड़ेगा, मुझे भी रेलटेल के लोगों से पूछना पड़ेगा। सर टी ब्रेक 6-7 साल बाद जो है ओएफसी पढ़ा रहा हूं मैं, जो फाइबर दिए हुए एसटीएम को अगर वही ब्रेक है तो उस पे लगाना पड़ेगा फिर तो। हाँ अगर एसटीएम वाला फाइबर ही ब्रेक है तो उस पे तो करेंगे सर। हाँ तो लगाना ही पड़ेगा उस पर। ओके मैं एंड कर रहा हूँ। ओके भाईजी दा थैंक यू। ओके थैंक यू। এই তুমি আমাকে প্রেজেন্টার করে দাও, প্রসাদ সাহেবের শরীর খারাপ হয়ে গেছে। প্রেজেন্টার কিরাম করে করে তুমি বলো ভাই, আমি জানি। আচ্ছা তুমি স্যার তুমি চলো লিভ করে দাও, লিভ করে দাও, এক মিনিট রোকো। জাকি সাহেব মেরে কো প্রেজেন্টেশন করিয়ে ভাই, কর দিয়া।
हेलो हेलो अभी चाय का टाइम है 15 मिनट। हेलो बॉस हेलो एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल? बिल्कुल सर आ रही है। अरे प्रसाद साहब का तबीयत खराब हो गया, मैं ले लूंगा क्लास अभी। तो मेरा क्लास अभी दोनों रहेगा, जीएसएमआर का फिर खाने का बाद फिर एसडीएच का। यस सर ठीक है। यस सर हाँ तुम लोग सब रहो, भागो मत। नहीं सर कोई नहीं जा रहा है कहीं। ना ना तुम लोग को भाई चांद भाई पहचानता हूँ, भाई एक दो आदमी होगा जो हमको पहचानता नहीं है। नहीं नहीं सब आपको पहचानता है सर। ठीक है भाई थैंक यू, चाय पी लो उसके बाद 11:15-20 में बैठेंगे। यस सर यस ठीक है ओके।
रिपोर्ट का भी